लास्ट क्लास डिस्कशन हमारा चल रहा था अंदर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें हम लोगों ने हार्मोनिक ऑसिलेटर अप्रोक्सीमेशन स्टार्ट किया। हार्मोनिक ऑसिलेटर अप्रोक्सीमेशन से डिस्कशन हमारा शुरू हो गया था, है ना। तो अब उसी पॉइंट को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। पीपीटी पे नो डेट नहीं डाला, मिनट इंसर्ट स्लाइड नंबर डेट एंड स्लाइड नंबर एक मिनट रुकिए, मेरा स्लाइड काम नहीं कर रहा है। ठीक है, सो नाउ लेट अस स्टार्ट आवर क्लास। तो लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे हार्मोनिक ऑसिलेटर अप्रोक्सीमेशन पर, जिसमें हमारा डिस्कशन एनर्जी लेवल एंड टर्म वैल्यूज पर हो गया था। ओके, सो अंडर हार्मोनिक ऑसिलेटर अप्रोक्सीमेशन, हार्मोनिक ऑसिलेटर अप्रोक्सीमेशन वी हैव कंसीडर्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर अप्रोक्सीमेशन, मीन्स मॉलिक्यूल को एज ए हार्मोनिक ऑसिलेटर डिस्कस किया गया। सो वहां पर एनर्जी क्या आया था, एनर्जी वैल्यू आया था मॉलिक्यूल के लिए En इज इक्वल टू एच न्यू ऑसिलेशन इनसाइड ब्रैकेट एन प्लस हाफ, वेयर वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 सो ऑन। एंड टर्म वैल्यू कैलकुलेट किया तो क्या आया था, जी एन इज इक्वल टू ई एन अपॉन एच सी एंड दिस इज इक्वल टू न्यू ऑसिलेशन अपॉन सी एन प्लस हाफ एंड जी एन इज इक्वल टू, फिर लिखा था हम लोगों ने ओमेगा बार ऑसिलेशन एन प्लस हाफ। तो ये दो फॉर्मूले डिस्कस कर चुके थे हम लोग, वेयर एन इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड ओमेगा बार ऑसिलेशन इज इक्वल टू
न्यू ऑसिलेशन अपॉन सी, एंड न्यू ऑसिलेशन क्या था, न्यू ऑसिलेशन इज इक्वल टू वन अपॉन टू पाई, वन अपॉन टू पाई अंडर रूट के बाई म्यू। ये इतना डिस्कशन हम लोगों ने किया था, और साथ साथ वैल्यूज ऑफ एन सब्स्टिट्यूट करके जी एन का वैल्यू जी जीरो जी वन जी टू जी थ्री ये कैलकुलेशन किया। दिस न्यू ऑसिलेशन इज वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, ओमेगा बार ऑसिलेशन इज वेव नंबर करेस्पॉन्डिंग टू, वेव नंबर करेस्पॉन्डिंग टू फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन न्यू ऑसिलेशन, न्यू ऑसिलेशन के करेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी था न्यू ऑसिलेशन, और वाइब्रेशनल जो वेव नंबर हमने किया वाइब्रेशनल वेव नंबर वो ओमेगा से लिखा है। यहाँ पर एक ही हम लोगों ने चेंज किया था कि फ्रीक्वेंसी न्यू से लिया है और ओमेगा बार से वेव नंबर, और एन इज इक्वल टू जीरो, जी जीरो की वैल्यू आई थी हमारे पास वन बाय टू ओमेगा बार ऑसिलेशन, दिस इज वेव नंबर और टर्म वैल्यू करेस्पॉन्डिंग टू ग्राउंड स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट के करेस्पॉन्डिंग वेव नंबर है या टर्म वैल्यू है ग्राउंड स्टेट। अब टर्म वैल्यू बोलिए या वेव नंबर, बोथ आर सेम। फॉर एन इज इक्वल टू वन जी वन, दिस इज इक्वल टू थ्री बाय टू ओमेगा बार ऑसिलेशन, दिस इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। सिमिलरली अगर मैं एन इज इक्वल टू टू पुट करूं जी टू will be equal to 5 by 2 omega bar oscillation, this will be second excited state, this will be second excited state, and further third, fourth, fifth, ye sabhi excited states milte jayenge, dot 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 karke other excited states can be also obtained। सो नाउ अब हम लोग इसको एनर्जी लेवल डायग्राम शो करेंगे, एंड ऑल्सो वी विल शो द स्पेक्ट्रम। तो एनर्जी लेवल डायग्राम के लिए मैं सबसे पहले एक इमेज बना लेता हूं, हियर वी विल हैव आर एंड हियर एनर्जी। एक पैराबोलिक कर्व मैंने ड्रॉ कर दिया, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर एक पैराबोलिक कर्व था। आप जानते हैं वी आर इज इक्वल टू हाफ के आर स्क्वायर, वी आर इज इक्वल टू हाफ के आर स्क्वायर। सो इसमें सबसे लोवेस्ट एनर्जी एन इज इक्वल टू जीरो करेस्पॉन्ड करेगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एन इज इक्वल टू वन, एंड देन एन इज इक्वल टू टू, एन इज इक्वल टू थ्री, देन एन इज इक्वल टू फोर, फर्दर एन इज इक्वल टू फाइव, देन एन इज इक्वल टू सिक्स, एंड हायर एनर्जी लेवल्स। सो दिस इज द डायग्राम वेयर वी हैव शोन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, ये डिफरेंट एनर्जी लेवल्स दिखाए गए हैं। ग्राउंड स्टेट एन इज इक्वल टू जीरो है, जिसको हम लोग जीरो पॉइंट एनर्जी स्टेट भी बोलेंगे, जीरो पॉइंट के करेस्पॉन्डिंग स्टेट ग्राउंड स्टेट। सो एनर्जी वैल्यूज निकालें या वेव नंबर कन्वर्जन पॉसिबल है, हाफ ओमेगा बार ऑसिलेशन, थ्री बाई टू ओमेगा बार ऑसिलेशन, 5 by 2 omega bar oscillation, 7 by 2 omega bar oscillation, 9 by 2 omega bar oscillation, 11 by 2 omega bar oscillation, 13 by 2 omega oscillation bar. So these are the wave number values, term values, जो भी आप इसको बोलते हैं। So, आप देख रहे हैं कि हियर वी हैव एनर्जी लेवल्स इक्वी स्पेस्ड, इक्वल स्पेसिंग पर एनर्जी लेवल्स शो किए गए हैं, और ये
चाहे आप पोटेंशियल एनर्जी आर का कर्व दिखाओ तो पैराबोलिक होता है, यू नो वेरी वेल। और उसके साथ अगर मैं एनर्जी लेवल डायग्राम शो कर रहा हूँ तो एनर्जी लेवल्स में हाफ, 3/2, 5/2, 7/2, 9/2 इस तरह से इक्वल स्पेसिंग रखते हुए ये डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हमें मिलेंगे। We will obtain these different energy levels having equal spacing. ठीक है, equal spacing के साथ ये energy levels हमें observe होता है। So अब हम लोग इस पर spectrum बनाना हो उसके लिए selection rule चाहिए। So now selection rule for this vibrational transitions, vibrational energy levels में जो transition होगा, सिलेक्शन रूल इज डेल्टा एन इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। मीन्स जो एन वैल्यू है, एन वैल्यू है एन को आप बोल सकते हो यहाँ वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, ठीक है, तो एन को आप यहाँ पर वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर में लिख सकते हो। एन इज कॉल्ड, स्मॉल एन इज कॉल्ड वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। जैसे वहां रोटेशनल लिखा था, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर आप एक लाइन में कहीं लिख लेना। दिस इज जस्ट ए क्वांटम नंबर व्हिच रिप्रेजेंट्स द एनर्जी ऑफ डिफरेंट वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट्स। तो वाइब्रेशनल लेवल्स की एनर्जी बताने के लिए एन को यूज कर रहे हो, तो एन को आप कह देते हो कि एन इज कॉल्ड एज वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो एन को आप वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर नाम देंगे। So change in vibrational quantum number will be plus minus one for vibrational spectra. तो vibrational spectra अगर देखना है, vibrational spectrum देखना है, तो आपको energy levels के लिए वही changes consider करने पड़ेंगे जिसमें ये difference delta n plus minus one के बराबर हो। ठीक है, और यहां आप देख रहे थे energy levels के बीच में spacing constant है, energy levels इक्विडिस्टेंट, इक्वी स्पेस्ड हैं, इक्वल स्पेसिंग के साथ ऑब्जर्व हो रहे हैं। ओके, सो नाउ लेट अस सपोज ए मॉलिक्यूल, सपोज करते हैं कि एक मॉलिक्यूल है, लेट अस कंसीडर ए मॉलिक्यूल मेक्स ए ट्रांजिशन एक क्वांटम नंबर एन से हायर क्वांटम नंबर की तरफ वो ट्रांजिशन करता है। लेट अस सपोज ए मॉलिक्यूल मेक्स ए ट्रांजिशन फ्रॉम वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल n डबल प्राइम टू n प्राइम, मेक्स ए ट्रांजिशन फ्रॉम वाइब्रेशनल, ये इमेज बाहर है इसके, ठीक है, फ्रॉम वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल n डबल प्राइम टू n प्राइम, ट्रांजिशन फ्रॉम वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल n डबल प्राइम टू वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल n प्राइम, एन प्राइम के पहले भी वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल लिख देता हूं। टू वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल एन प्राइम, देन द वेव नंबर, देन द वेव नंबर ऑफ spectral line will be so जो transition होगा n double prime से n prime तक, उस transition में spectral line का wave number क्या होगा, then the spectral line of wave number के लिए new bar लिखते थे पहले से ही, और transition कहां से हो रहा है, double prime से सिंगल प्राइम, एन प्राइम, एन डबल प्राइम टू एन सिंगल प्राइम, दिस विल बी जी डबल प्राइम माइनस सॉरी जी एन सिंगल प्राइम, हायर एन वैल्यू मैंने सिंगल प्राइम ले रखा है, लोअर एन वैल्यू में डबल प्राइम लगाया है, ठीक है, सो जी एन प्राइम माइनस जी
एन डबल प्राइम, हो गया करेक्ट है। तो आपने क्या किया, एन डबल प्राइम से एन प्राइम की तरफ ट्रांजिशन ले रहे हैं हम लोग। सो ट्रांजिशन करेस्पॉन्ड्स टू एन प्राइम टू एन डबल प्राइम, सो वैल्यू क्या आएगी, ओमेगा ऑसिलेशन बार एन प्राइम प्लस हाफ माइनस ओमेगा ऑसिलेशन बार एन डबल प्राइम प्लस हाफ, एंड दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू ओमेगा ऑसिलेशन बार, ये हाफ कैंसिल आउट, सो वी विल हैव एन प्राइम माइनस एन डबल प्राइम। लेकिन ट्रांजिशन तो एन डबल प्राइम से एन प्राइम में हुई है ना, एन डबल प्राइम से एन प्राइम में, माइनस तो जी एन डबल प्राइम माइनस जी एन प्राइम होना चाहिए। आप मैकेनन मैंने कहीं लिखा है क्या कि एन डबल प्राइम का एनर्जी हायर है एन प्राइम का लोअर है, तो किसी का भी आप देखिए आगे पीछे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ लिखा है क्या कि मैं किसको हायर लूंगा किसी को लोअर लूंगा, तो ये तो नहीं लिखा, नहीं लिखा है, तो अभी अभी मैं बताऊंगा कि कौन सा हायर है कौन सा लोअर है। ओके सर, अभी मैंने लिखा नहीं, अभी एमिशन है कि अब्जॉर्प्शन है तो नहीं मेंशन किया ना, अब मेंशन करूंगा। ओके सर, तो ये न्यू बार आया वेव नंबर करेस्पॉन्डिंग टू दिस ट्रांजिशन, ट्रांजिशन एक एन वैल्यू से दूसरे एन वैल्यू तक हो रहा हो, पर्टिकुलर कोई एनर्जी लेवल रहा होगा एक्साइटेड स्टेट कोई ग्राउंड स्टेट, तो अब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट जा रहा है कि एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट, दोनों के लिए हमें यहाँ वेव नंबर वैल्यूज जो मिलेगा उसको हम लोग अब निकालेंगे कैलकुलेट करेंगे। सो नाउ लेट अस कैलकुलेट वेव नंबर फॉर अब्जॉर्प्शन, अगर अब्जॉर्प्शन लिया जाए तो क्या होगा एन और एन प्राइम में, बताइए एन और एन प्राइम में, एन प्राइम और एन डबल प्राइम में अब्जॉर्प्शन के लिए क्या हमें मानना कंसीडर करना पड़ेगा। सो फॉर अब्जॉर्प्शन अब्जॉर्प्शन एन डबल प्राइम इज इक्वल टू एन प्राइम माइनस वन, क्या करेक्ट है ये बोलिए, अगर मुझे अब्जॉर्प्शन दिखाना है तो एन डबल प्राइम जो लोअर क्वांटम नंबर है दैट विल बी इक्वल टू अपर क्वांटम नंबर, हायर क्वांटम नंबर जो है उससे एक यूनिट कम होगा, होगा ये करेक्ट, दैट मीन्स एन डबल एन प्राइम माइनस एन डबल प्राइम इज इक्वल टू वन, ये अब्जॉर्प्शन का केस है। सो फॉर अब्जॉर्प्शन जो सिलेक्शन रूल है उसको अप्लाई किया, एंड ऑल्सो वी हैव अप्लाइड द डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल सॉरी यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो नहीं बोल सकते लेकिन सिमिलर उसी के है जैसा एन होता था वहां, लेकिन इसको हमने वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर दिया, तो वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर का चेंज वन यूनिट के बराबर होगा, ये एक्सेप्टेबल है, और एक्सेप्टेबल है तो साथ साथ क्या है अब्जॉर्प्शन के लिए हायर क्वांटम नंबर विल बी वन यूनिट ग्रेटर देन लोअर क्वांटम नंबर, लोअर क्वांटम नंबर और हायर क्वांटम नंबर के बीच में डिफरेंस अगर देखेंगे तो वन का डिफरेंस आएगा, ठीक है। सो देयरफॉर वेव नंबर क्या होगा, therefore wave number new bar में क्या कर रहे हैं हम लोग n double prime to n prime, this will be equal to omega bar oscillation multiplied by 1, so new bar wave number value कितना आ रहा है हमारे पास constant wave number omega oscillation bar के बराबर आ रहा है, That means कि ट्रांजिशन कहीं से भी आप स्टार्ट करें, ट्रांजिशन कहीं से भी स्टार्ट करते हैं आप तो उसमें अब्जॉर्प्शन के लिए हर बार एवरी टाइम यू विल हैव सेम वेव नंबर वैल्यू, ओके।
So thus, for n double prime is equal to 0 to n prime is equal to 1. 0 to 1 वेव नंबर कितना आएगा? ओमेगा ऑसिलेशन बार. और n डबल प्राइम इज इक्वल टू 1 टू n प्राइम इज इक्वल टू 2, वेव नंबर विल बी 1 टू 2. हर एक बार आपको ओमेगा ऑसिलेशन बार ही मिलने वाला है. ट्रांजिशन आप किसी भी n वैल्यू से स्टार्ट कर सकते हैं, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर से स्टार्ट कर सकते हो. यू विल ऑलवेज गेट सेम वेव नंबर वैल्यू करिस्पॉन्डिंग टू दिस ट्रांजिशन. ओनली ध्यान रखना है अब्जॉर्प्शन लोअर एन से हायर एन की तरफ होगा, डिफरेंस 1 यूनिट का होना मस्त है, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन रूल आपका यही कहता है. सिलेक्शन रूल का जो रूल है, सिलेक्शन रूल आपने जो अप्लाई किया है, सिलेक्शन रूल आपको 1 यूनिट का डिफरेंस देगा. सो हियर यू आर गेटिंग सिंगल 1 वेव नंबर वैल्यू करिस्पॉन्डिंग टू दीज ट्रांजिशंस. सभी ट्रांजिशन से करिस्पॉन्डिंग यू आर गेटिंग सिंगल 1 वेव नंबर वैल्यू. सो आप यहाँ कंक्लूड कर सकते हैं अब कि जो हमारा स्पेक्ट्रल लाइन है दैट विल हैव सिंगल 1 वेव नंबर वैल्यू. दस द वाइब्रेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम इज एक्सपेक्टेड टू, कैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड टू कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल बैंड एट ओमेगा बार ऑसिलेशन. जितने ट्रांजिशंस होंगे सभी ट्रांजिशंस सिंगल वेव नंबर वैल्यू एज ए रिजल्ट दे रहे हैं. सो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ जो स्पेक्ट्रम है वो स्पेक्ट्रम सिंगल एक बैंड दिखाएगा, क्योंकि सारे ट्रांजिशंस इसी एनर्जी लेवल इसी वेव नंबर वैल्यू के करेस्पॉन्डिंग दिख रहे हैं. तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन बहुत ज्यादा लाइन्स होंगी एनर्जी स्पेक्ट्रम में, और वो लाइन सबकी वेव नंबर वैल्यू यही है, तो वो एक बैंड फॉर्म कर जाएगा. That will form, that will give you a single band frequency, उसकी वेव नंबर वैल्यू ओमेगा बार ऑसिलेशन के करेस्पॉन्डिंग रहेगी, या कह सकते हो न्यू ऑसिलेशन जो फ्रिक्वेंसी है उसी पर आपको सिंगल एक बैंड दिखाई देता है, और वही बैंड यहाँ स्पेक्ट्रम में अपीयर करेगा सिंगल 1 लाइन. तो आप यहाँ एनर्जी लेवल डायग्राम में सिंगल 1 लाइन शो कर सकते हो, सिंगल 1 लाइन दैट हैज वैल्यू वेव नंबर वैल्यू ओमेगा बार ऑसिलेशन. वेव नंबर वैल्यू इसकी ओमेगा बार ऑसिलेशन, थोड़ा थिकर बना दोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये सिंगल एक बैंड रहा होगा. ठीक है, तो थोड़ा थिकनेस इसका अब बढ़ा दीजिए. सिंगल लाइन कैसे मिला? ट्रांजिशन 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, सबका वेव नंबर वैल्यू फिक्स है, सबका एनर्जी डिफरेंस फिक्स है सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग. सभी ट्रांजिशंस आपको सिंगल वेव नंबर ओमेगा बार ऑसिलेशन दे रहे हैं. सो ये हार्मोनिक ऑसिलेटर अप्रोक्सीमेशन में आपको हमेशा सिंगल एक स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगा, और उसका वेव नंबर वैल्यू होगा ओमेगा बार ऑसिलेशन. ओके, ओमेगा बार ऑसिलेशन. तो आपको याद रखना है कि हमारे पास जब भी हार्मोनिक ऑसिलेटर अप्रोक्सीमेशन होगा ऑलवेज हमें सिंगल 1 स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगा, और सिलेक्शन रूल यहां पर वैसा ही है जैसे डेल्टा जे प्लस माइनस 1 लिखा था, वैसे डेल्टा एन प्लस माइनस 1 यहां हमने मेंशन किया. ओके सर, ये हमारे सारे जो फॉर्मूला ये सिर्फ एब्जॉर्प्शन के लिए हम लोग मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमेशा एब्जॉर्प्शन का ही शो करेंगे इमेज. ठीक है, जब तक ये उसका रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी ना आए तब तक आपको एब्जॉर्प्शन ही मैं दिखाऊंगा. एब्जॉर्प्शन मीन्स लोअर से हायर की तरफ ट्रांजिशन शो करेंगे. ओके, हमेशा मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व कराएंगे, वो रोटेट करेगा या वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी,
या रोटेशनल फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, दैट डिपेंड्स ऑन द मॉलिक्यूलर इनिशियल स्टेट। मॉलिक्यूल इनिशियल स्टेट में कहां पर है, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो ऑफ कोर्स उसका वाइब्रेशन बढ़ सकता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी एंड एनर्जी बढ़ेगी। ओके हो गया, बना लिया सबने सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन, रिजल्ट हो गया। सर स्लाइड सेकंड शो करना लास्ट चाहिए आला। सो ये एक्सपेक्टेड है, ये थ्योरेटिकल रिजल्ट है अकॉर्डिंग टू हार्मोनिक ऑसिलेटर अप्रोक्सीमेशन, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट नहीं है ये। प्लीज इस बात पर ध्यान देना कि ये एक्सपेरिमेंटल डेटा नहीं है, दिस इज जस्ट थ्योरेटिकल मॉडलिंग। We are assuming our molecule as a harmonic oscillator. Harmonic oscillator मतलब there will be no dissociation of molecule. Molecule dissociate नहीं हो सकता, क्योंकि harmonic क्या कहता है, harmonic कहता है कि जितना force से आप displace करोगे उसके opposite force एक लगेगा और वापस उसको उसकी पुरानी stage में ले आएगा। इसका मतलब molecule को तोड़ नहीं सकते। Okay? मॉलिक्यूल ब्रेक नहीं करा जा सकता। क्यों नहीं ब्रेक किया जा सकता, क्योंकि जितना ब्रेक करने के लिए आप एनर्जी लगाओगे उतना वापस रिस्टोर करने के लिए रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई कर देगा। सो इन द हार्मोनिक ऑसिलेटर अप्रोक्सीमेशन यू कैन नॉट डिसोसिएट एटम्स फ्रॉम इट्स मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से एटम्स को डिसोसिएट नहीं कर सकते। दैट इज द मेन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द हार्मोनिक ऑसिलेटर। लेकिन आपको पता है मॉलिक्यूल तोड़ा जा सकता है, मॉलिक्यूल को सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी दे दीजिए मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएगा। दैट मींस ये अप्रोक्सीमेशन पूरी तरह से वैलिड नहीं है, ये अप्रोक्सीमेशन फुल्ली वैलिड नहीं है। उसके लिए आपको एन हार्मोनिक अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ेगा। एन हार्मोनिक अप्रोक्सीमेशन जो अगला डिस्कशन हमारा टॉपिक आएगा वो एन हार्मोनिक पर होगा। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कुछ। लास्ट क्लास में मैंने 26 नंबर क्वेश्चन बोला था सॉल्व करने को, क्या आया था आंसर इसका, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला फॉर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी न्यू ऑसिलेशन इज इक्वल टू 1/2π अंडर रूट के बाई म्यू। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं H2 HD D2 HT ये सब में आप देख रहे हैं कोई ना कोई एक एटम H2 है, तो एच रिप्लेस किया ड्यूटेरियम लाए, दोनों एच रिप्लेस कर दिया D2 हो गया, एक हाइड्रोजन हटा के ट्राइटियम ला दिया। सो यहां पर इफ म्यू रिड्यूस्ड मास इज स्मॉलेस्ट, अगर म्यू की वैल्यू रिड्यूस्ड मास की वैल्यू स्मॉलर होगी तभी आपको लार्जेस्ट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मिलेगा। तो क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए देखते हैं, हियर रिड्यूस्ड मासेस, ये फार्मूला एक हो गया, तो जिसका रिड्यूस्ड मास लोवेस्ट होगा उसी का वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगा। रिड्यूस्ड मास ऑफ HT क्या होगा, म्यू इज इक्वल टू H मतलब मास नंबर 1 T3 1+3 टाइम्स MP रिड्यूस्ड मास ऑफ D2, D2 का रिड्यूस्ड मास कितना होगा 2 × 2 + 2 + 2 डिवाइडेड बाय 2 + 2, सो दिस इज MP। नेक्स्ट है रिड्यूस्ड मास ऑफ HD, H का मास नंबर 1, ड्यूटेरियम का 2 1+2 MP एंड देन लास्ट वन इज रिड्यूस्ड मास ऑफ H2, म्यू इज इक्वल टू 1 × 1/1+1 मल्टीप्लाइड बाय MP। सो आप देख रहे हैं कि यार 3/4 मीन्स
75 टाइम्स mp रिड्यूस मास, यहां पर आएगा 2 इंटू 2 4 बाई 2 प्लस 2 4, 4 बाई 4 मीन्स 1, तो d2 का रिड्यूस मास mp आ रहा है, मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल। एंड देन hd, hd का आ रहा 2 बाई 3 मीन्स 0.67 mp। एंड देन लास्ट है h2, h2 का reduced mass 0.5 mp. So here h2 has lowest reduced mass. यहां आपको जब भी आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन करना होगा, एच टू हो तो एच डी आ सकता है, ड्यूटेरियम आ सकता है, ट्राइटियम आ सकता है, तो आप यहां बोलेंगे कि जब भी आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन होगा सो उस कंडीशन में फोर्स कांस्टेंट, आर स्प्रिंग कांस्टेंट डू नॉट चेंज, दैट विल बी कांस्टेंट, इट्स वैल्यू के वैल्यू जो होगी, के की वैल्यू ऑलवेज कांस्टेंट रहेगी जब भी आप मॉलिक्यूल के अंदर आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन करोगे। So H2 has lowest reduced mass. H2 का reduced mass सबसे कम है. Therefore, H2 has highest vibrational frequency. Highest vibrational frequency. H2 का हाईएस्ट वाइब्रेशन। इस क्वेश्चन को मैंने इसीलिए पूरा डिटेल में सॉल्व किया कि आपको आइडिया हो जाए कि कई बार कंपैरिजन करना पड़ेगा तो आप कैसे उसका फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करोगे। ठीक है, H2 का हाईएस्ट वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी आता है क्योंकि लोवेस्ट उसका रिड्यूस्ड मास है, उसका रिड्यूस्ड मास जितना स्मॉलेस्ट होगा, जिसका लोवेस्ट होगा उसके हाईएस्ट वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पेसिंग बिटवीन वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स, द स्पेसिंग बिटवीन वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स इन कार्बन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल, ये जो एच न्यू ऑसिलेशन है, आप जानते हो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच में स्पेसिंग कितनी होती है, एच न्यू ऑसिलेशन, इट्स वैल्यू इज गिवेन 8.441 इंटू 10^-2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एच न्यू ऑसिलेशन का वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन के लिए दिया हुआ है एच न्यू ऑसिलेशन। अब आपको देखना है कि यहां पर जो रिड्यूस्ड मास है दैट इज आल्सो गिवन म्यू, रिड्यूस्ड मास की वैल्यू दे रखी है 1.14 इंटू 10^-26 किलोग्राम, प्लैंक कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सब वैल्यूज दे रखे हैं, फोर्स कांस्टेंट आपसे पूछा जा रहा है। सो एच न्यू ऑसिलेशन इज दिस, एंड अगर ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी की मैं बात करूं तो ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी विल बी गिवन बाय 8.441 इंटू 10^-2। सो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो 1.6 × 10^-19 दिस इज मल्टीप्लाइड एंड नाउ एनर्जी इज इन द जूल यूनिट। प्लैंक कांस्टेंट डिवाइड कर दो 6.626 × 10^-34, सो यू विल हैव न्यू ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कितना आएगा, न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कैलकुलेट करो पर सेकेंड, हर्ट्ज के यूनिट में, हर्ट्ज यूनिट में न्यू ऑसिलेशन आ जाएगा। And since new oscillation is equal to 1/2πk/μ and squaring on both side and then जो भी आप करोगे squaring and rearranging, square करो rearrange करो, rearrange करना है square करना है, तो k का value क्या आएगा 4π² म्यू स्क्वायर, सॉरी म्यू इंटू न्यू ऑसिलेशन स्क्वायर 4πμ न्यू ऑसिलेशन, न्यू फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन स्क्वायर,
इसको आप कैलकुलेट कर लो, बेटर होगा। 4 इंटू 3.14 इंटू 3.14 स्क्वायर इंटू म्यू, म्यू का वैल्यू है 1.14 इंटू 10^-26 मल्टीप्लाइड बाई जो फ्रीक्वेंसी यहाँ आती है, फ्रीक्वेंसी कितना आया टेल मी? 2.038 इंटू 10^13 2.038 इंटू 10^13 13 सर। हाँ, इसको स्क्वायर करके यहाँ मल्टीप्लाई करना है, 2.038 इंटू 10^13 इसकी वैल्यू आई 186.977 कितना? डायरेक्ट बताओ विदाउट विदाउट डेसिमल। आप देखिए आंसर के बाद 187 वेरी गुड। सो आप देखेंगे आंसर हमारा पूरी तरह से मैच हो रहा है, 187 न्यूटन पर मीटर, 187 पर मीटर सर, 186.7 कुछ आई है। हाँ तो ठीक है, वही है अपना डेसिमल, डेसिमल वाला जो करते हैं आप लोग कर दीजिए। ओके सर, राउंड ऑफ करके निकाल लीजिए, हो गया 186.7 है ना। तो नेक्स्ट एक लाइन और पढ़ा, 186.7 186.97 आई है सर मेरे दिन। कितना? 97 यस सर। कोई बात नहीं, जिसका जो आ रहा है सबका करेक्ट है, राउंड ऑफ कर लो, सब लोग राउंड ऑफ रूल लगा दो, हो जाएगा। किसी का 185, 86, 85 जो भी आ रहा हो सब तो करेक्ट ही लेना पड़ेगा ना हमें। सो ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। किसी को कोई डाउट नहीं? नो सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्सियल शोज एन अब्जॉर्प्शन बैंड, अब्जॉर्प्शन बैंड कहाँ दिख रहा है? वेव नंबर था ओमेगा बार ऑसिलेशन, इसकी वैल्यू दे रखा है 2885 सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, तो जीरो पॉइंट एनर्जी पूछ रहा है क्वेश्चन में, जीरो पॉइंट एनर्जी, जीरो पॉइंट एनर्जी फार्मूला क्या होता है? ई जीरो इज इक्वल टू 1/2 एच न्यू ऑसिलेशन, है ना, 1/2 एच न्यू ऑसिलेशन को क्या बोलेंगे? सी ओमेगा बार ऑसिलेशन। सो आंसर निकालना है 1/2 एच, एच मीन्स 6.626 10^-34 जूल सेकेंड। ये तो प्लैंक कांस्टेंट हो गया। नेक्स्ट सी, सी मीन्स स्पीड ऑफ लाइट, सी का वैल्यू है 3×10^10 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड मल्टीप्लाइड बाई 2885 सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, सो नाउ टेल मी आंसर, आंसर आपको जूल यूनिट में देना है कैलकुलेट करके। सर 434 कहाँ से आ गया? नहीं सर, 4324.187 नहीं, 4 तो कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, ऑप्शन पे भी ध्यान दो। 2.867 into 10^-20 2.8865 है ना, जो भी आ रहा है। चलो जूल में यही आंसर है, करेक्ट है। कहीं कुछ प्रॉब्लम किसी को? यहाँ पर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम कहाँ पर दिखता है? किस वेव नंबर की करेस्पॉन्डिंग? दैट वेव नंबर इज गिवन, इसीलिए मैंने स्पीड ऑफ लाइट को सेंटीमीटर पर सेकेंड किया, जिससे सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर यूनिवर्स दोनों कैंसिल आउट हो जाए, जूल
रह जाएगा, सेकेंड और सेकेंड इनवर्स भी कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ओके सो ये तो रहा हमारा डिस्कशन। बोले बोले सर, एक्चुअली स्पीड ऑफ लाइट सर कई लोग बताते हैं कि सीजीएस में वन हो जाती है। सीजीएस में वन हो जाती है तो मैं प्लैंक कांस्टेंट को भी तो वन लिखता वहां। अच्छा, इसमें कोई रिलेशन होता है क्या सर प्लैंक कांस्टेंट और इसमें, मतलब? नहीं नहीं नहीं, वो सीजीएस सीजीएस नहीं होती, वो नेचुरल यूनिट बोलते हैं उसको, नेचुरल यूनिट। अच्छा, नेचुरल यूनिट में सर वन हो जाती है ना? जी हाँ हाँ सर, सब लोग सर बोलते रहते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि जब भी आपको मास और एनर्जी कन्वर्जन करना पड़ता है, कन्वर्ज करते हो, कन्वर्टन, तो कन्वर्ट करने के लिए अगर मास को एनर्जी में लेते हो तो E इज इक्वल टू एम लिख देते हैं, सी की वैल्यू वन मान के। लेकिन जब डायमेंशन देखना पड़ेगा तो सी की एग्जैक्ट वैल्यू वही रखनी पड़ेगी जो मैथमेटिकली कैलकुलेट करी जाती है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक्चुअली क्या होता है कि बार बार किसी फिजिक्स के बुक में अगर आप सी स्क्वायर, सी क्यूब, सी डिवाइडेड स्क्वायर कुछ ऐसा देखते हो, या प्लैंक कांस्टेंट एच सी, एच सी बाई लैम्डा और डिवाइड करो एच सी से, मल्टीप्लाई करो एच सी से, तो बार बार इसकी वैल्यूज को ना यूज करके लोग नेचुरल यूनिट ले लेते हैं। सपोज एच इज वन एंड सी इज वन, उसमें क्या होता है बार बार डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में सी स्क्वायर सी लिखना बंद हो जाता है, नहीं लिखते लोग। लेकिन हाँ, जब डायमेंशनली करेक्ट करना होता है तो कहीं पर सी को कहीं एच को मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। ओके वो आजकल की बुक्स में, मॉडर्न फिजिक्स की बुक्स में यूज करने का ट्रेंड है, लेकिन आपको अभी नहीं यूज करना है, वो रिसर्च पर्पज के लिए जब करना हो तो आप कर लेना, अदरवाइज यहाँ पर सारे आंसर्स गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन क्योंकि पूछा जाता है इसलिए क्योंकि डायमेंशनलिटी देख करके ही आप आंसर निकाल पाओगे। जब जूल लिखा हुआ है तो जूल में ही आंसर देना है, सेंटीमीटर इनवर्स तो सेंटीमीटर इनवर्स। लेकिन हाँ, ये पता है कि सेंटीमीटर इनवर्स से जूल जाने का मतलब है कि वी हैव टू मल्टीप्लाई एच एंड सी बोथ इन द न्यूमरेटर। जब सेंटीमीटर इनवर्स में वैल्यू दिया है तो यही इस यही कारण है कि मैंने यहाँ एच सी मल्टीप्लाई किया। देखिए एच और सी दोनों मल्टीप्लाई है ना। हाँ चलिए ओके, सो अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन, जहां पर हम लोग एक सिंगल आइसोटोप, सिंगल एटम के आइसोटोप को एक्सचेंज कर देंगे, वहां पर दूसरा पुट कर देंगे हाइड्रोजन की, जैसे ड्यूटेरियम रखते थे हम लोग। सो नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ आइसोटोप, इस इफेक्ट ऑफ आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन, आइसोटोपिक इफेक्ट ऑफ आइसोटोपिक रिप्लेसमेंट कह सकते हो, सब्स्टिट्यूशन बोल सकते हो, आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन। तो अब मैं एक सिंगल एलिमेंट लूंगा, मॉलिक्यूल कोई, और उसके अंदर उसका एक सिंगल एटम रिप्लेस करके, या दोनों एटम्स भी रिप्लेस कर सकते हो, यू कैन रिप्लेस बोथ आर वन। तो दो दो एटम्स का मॉलिक्यूल, डायटॉमिक मॉलिक्यूल डिस्कशन है। सो मॉलिक्यूल के लिए एक एटम रिप्लेस करूंगा। सो लेट सिंस मॉलिक्यूल हैज रिड्यूस्ड मास, लेट मॉलिक्यूल हैज रिड्यूस्ड मास म्यू, फोर्स कांस्टेंट के, देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, इज गिवन बाय न्यू ऑसिलेशन इज इक्वल टू 1/2π अंडर रूट के बाय म्यू, दिस इज इक्वेशन नंबर वन। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन वैल्यू 1/2π अंडर रूट के बाय म्यू होगा। मॉलिक्यूल हैज रिड्यूस्ड मास म्यू, के उसका फोर्स कांस्टेंट है। इफ आइसोटोप सब्स्टिट्यूटेड मॉलिक्यूल हैज रिड्यूस्ड मास, आइसोटोप सब्स्टिट्यूट कर दो तो उसमें जो मॉलिक्यूल का रिड्यूस्ड मास है अगर वो म्यू आई हो तो देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन बिकम्स, अब इस केस में फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, हमें म्यू के प्लेस पर म्यू आई रख देना है,
becomes new oscillation I is equal to 1 upon 2 pi under root k upon mu I. This is equation number 2. So equation 1, equation 2, these are two equations where we have frequency oscillation. Oscillation frequency ka formula hamare paas dono cases mein available hai. पिछले वाले में यही स्क्वायर रूट नहीं था. लास्ट वाले केस में जब हम लोग डिस्कस करते थे तो वहां पर स्क्वायर रूट नहीं था, यहां जस्ट एक स्क्वायर रूट आ रहा है. देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू न्यू ऑसिलेशन आई upon new oscillation, this will be equal to inverse relationship hai, mu upon mu I ho jayega. So this is the ratio of vibrational frequencies of two isotopic molecules. Two molecules jisme ho sakta hai aap HCl DCl le, to initially HCl raha ho baad mein DCl ho gaya ho, ya pehle DCl raha ho baad mein HCl hua ho. तो आपको पता है कि उनका जो फ्रीक्वेंसी होगा ये स्क्वायर रूट ऑफ रिड्यूस्ड मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. स्क्वायर रूट ऑफ रिड्यूस्ड मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ रिड्यूस्ड मास. तो आप ये दोनों फ्रीक्वेंसीज का रेशियो उनके स्क्वायर रूट रिड्यूस्ड मास के इनवर्स रेशियो के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल थे, तो इसलिए हमने ऐसा कर लिया. तो यहां से कोई डाउट तो नहीं है ना आपको? पिछले वाले में यही कैलकुलेशन किया था, वहां स्क्वायर रूट नहीं था, वहां पर रोटेशनल कांस्टेंट लेते थे, यहां पर हम लोग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं. सिंस ओमेगा बार ऑसिलेशन इज इक्वल टू न्यू ऑसिलेशन डिवाइडेड बाय सी, that means omega bar oscillation is proportional to new oscillation, hence equation 3 implies omega bar oscillation divided by omega bar oscillation upar isotopic substituted molecule ka kiya jayega mu upon mu I. And this is the ratio. So आपसे वेव नंबर वैल्यू के साथ रेशियो पूछा जाए या फ्रीक्वेंसी के साथ, आप दोनों में से कोई एक फॉर्मूला या देख रहे हैं इनवर्स रिलेशनशिप को यूज करके किया है, तो आप कोई भी तरीका अप्लाई कर सकते हैं. वेव नंबर के साथ वाला वेव नंबर रेशियो दे देगा, फ्रीक्वेंसी के साथ वाला फ्रीक्वेंसी रेशियो. बस याद रखना है कि देयर इनवर्स रिलेशनशिप विद द रिड्यूस्ड मास फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर, ये वैल्यूज अपने साथ रिड्यूस्ड मास का रिलेशन इनवर्स एंड स्क्वायर रूट दोनों याद रखना पड़ेगा. इनवर्स भी है स्क्वायर रूट भी है, दोनों के साथ आपको रिलेट करना पड़ेगा. ठीक है, मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें थ्योरी में बहुत कुछ हमें डिस्कस करने की जरूरत थी. पिछला वाला एक ध्यान दिया हुआ था आपने, उसी से रिलेट करके आप बता सकते थे इसको. एक सेकंड बैक करना. हाँ जी बैक है. चलिए चलते हैं इस पे, कुछ प्रॉब्लम देखते हैं आया हुआ होगा एग्जाम में. तो क्वेश्चन है द रेशियो बिटवीन द फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज ऑफ एच आई एंड डी आई. सिंस मैं बार बार फार्मूला लिख रहा हूं, न्यू ऑसिलेशन इज इक्वल टू वन अपॉन टू पाई अंडर रूट के बाई म्यू. सो एच आई और डी आई हाइड्रोजन आयोडाइड एंड
ड्यूटेरियम आयोडाइड. देयरफॉर न्यू ऑसिलेशन फॉर हाइड्रोजन आयोडाइड डिवाइडेड ड्यूटेरियम आयोडाइड डी आई. सो आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूटेड मॉलिक्यूल्स में के की वैल्यू कॉन्स्टेंट कंसीडर की जाएगी. म्यू ऑफ डी आई डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ एच आई. म्यू ऑफ डी आई डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ एच आई. क्योंकि फोर्स कॉन्स्टेंट हमने फिक्स वैल्यू का कंसीडर कर लिया. हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम से रिप्लेस करने पर फोर्स कांस्टेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. नेग्लिजिबल चेंज आ सकता है लेकिन उसको हम लोग यहाँ इग्नोर कर दे रहे हैं और कैंसिल कर देते हैं के की वैल्यू को. सो दिस विल बी डी आई. डी मतलब 2 इंटू कितना आएगा आंसर वैसे. यस डी डायरेक्टली आपने बता दिया. वेरी गुड. मैं डायरेक्ट लिख देता हूं क्योंकि आई का मास नंबर नहीं पता है. आई का मास नंबर कितना होता है बता सकता है कोई स्टूडेंट बताएं. वेरी गुड. पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कहीं आया तो था ये. लेकिन आपको उसके मास नंबर को एज ए 127 प्लस 1 127 प्लस 2 इससे ये कैंसिलेशन करने में हेल्प मिल जाएगी. बहुत लार्ज वैल्यू है तो ये अप्रोक्सीमेटली रूट 2 आ जाएगा. सर गिवन होगा आयोडीन का. नहीं भी गिवन है तो आप कैंसिल कर सकते हो. आपसे यहाँ पर जस्ट रेशियो पूछा जा रहा है. नहीं भी गिवन होगा तो आपको क्या कोई फर्क पड़ने वाला है क्या जी. नहीं गिवन तो और ज्यादा आसान है. चलो कैंसिल कर दिया. 127 प्लस 1 127 प्लस 2 दे आर नियरली इक्वल. दे आर कैंसिल्ड. ये एक्चुअली सभी अप्रोक्सीमेशन पे रहेंगे. इन वैसे तो क्वेश्चन में दिया जा सकता है. ऐसा नहीं है कि नहीं देगा. देने वाला देगा क्वेश्चन बनाने वाले. लेकिन अगर नहीं दिया हुआ है तो हमें कोई जरूरत भी नहीं है. जब चारों ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं कोई डेसिमल में 1.4 1.39 ऐसा तो दिया नहीं है. जो दिया है एग्जैक्टली रूट 2 1/2 इस तरह से दिया है. तो अगर यहाँ रोटेशनल फ्रिक्वेंसी पूछता रोटेशनल का तो आंसर आ जाता ए बी. ऑप्शन रोटेशनल होता तो बी. वाइब्रेशनल है तो डी आएगा. जस्ट डिफरेंस क्या होता है रोटेशनल में स्क्वायर रूट नहीं रहता. वाइब्रेशनल में स्क्वायर रूट रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10. रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय ड्यूटेरियम एटम. रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय ड्यूटेरियम एटम बाउंड टू ए हैवी एटम. ध्यान दीजिए हैवी एटम एक्स इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल वुड रिड्यूस द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ HX. तो एक है HX या XH जो भी आप कंसीडर करो. इसके लिए वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी न्यू ऑसिलेशन. फिर DX है ड्यूटेरियम. हाइड्रोजन रिप्लेस करके ड्यूटेरियम लाया गया. यहाँ जो न्यू ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी होगा दैट विल बी गिवन बाय न्यू ऑसिलेशन मल्टीप्लाइड बाय म्यू ऑफ ऊपर तो आ जाएगा एच डी का एच जैसे पिछले में निकाला था. नीचे आयोटा लगेगा. मतलब आयोटा कह रहा हूं आई लगेगा. नीचे आइसोटोप का लगेगा ना. आई से हम लोग आइसोटोप यहां लिख रहे हैं म्यू आई. ये आयोटा नहीं है. सो दिस इज न्यू ऑसिलेशन. अब आप देख रहे हैं कि जो म्यू ऊपर म्यू है वो है एच एक्स का और नीचे जो म्यू है वो किसका है डी एक्स का. तो चेंज क्या आएगा डिनोमिनेटर में रूट टू आ जाएगा. एक्स्ट्रा रूट टू फैक्टर आ जाएगा डिनोमिनेटर में. रूट टू एड हो जाएगा एक्स्ट्रा आ जाएगा टर्म आ जाएगा रूट टू का.
और यहां अप्रोक्सीमेशन लग जाएगा, अप्रोक्सीमेटली रूट टू। मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या ये आंसर इतना आ सकता है क्या, 1.3 आ सकता है क्या? अप्रोक्सीमेट तो होगा तो 1.4 ही आएगा, इतना तो मुझे श्योर है। मैं पूछ रहा हूं आंसर की में दिखा होगा आपने 1.3 मिला लिखा हुआ है, इज इट पॉसिबल टू हैव 1.3 हियर? नो। अगर मान लो आप हैवियर आइसोटोप मान रहे हो तो आप मान लो 200 मास नंबर भी है, या 127 मान लो HIDI जैसे अभी लिया था HIDI या HBR DBR, अगर हाइड्रोजन ब्रोमाइड हाइड्रोजन आयोडाइड हाइड्रोजन के साथ ही है ना X, तो X हैवी आइटम हैवी आइटम है, हैवी आइटम में हो सकता है उसका मास नंबर 120 हो 130 हो 150 हो। तो आप अगर देखोगे सो उसकी वैल्यू पुट करने पर भी ये 1.414 से थोड़ा सा स्लाइटली वेरी करेगा, हो सकता 1.404 आ जाए, 1.394 आ जाए, 1.38 आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि 1.3 आ जाएगा, 1.38, 1.39, 1.40 ये वैल्यू जितनी भी रहेंगी ये सभी अंडर रूट 2 के अप्रोक्सीमेट हैं, नॉट 1.3, ठीक है। तो आप आंसर पर ध्यान देंगे कि अगर मैं मास नंबर एग्जैक्टली रख भी दूं हैवियर आइसोटोप का तो वो 1.39, 1.38, 1.34 मतलब बहुत ज्यादा कम 1.3 तो नहीं आ जाएगा, लेकिन हाँ ये है कि 1.4 के अप्रोक्सीमेट रहेगा, वो रूट टू के अप्रोक्सीमेट वो फैक्टर रहेगा, उसको उतना ज्यादा डिफर नहीं करा पाएंगे कि 1.414 से 1.3 आ जाए। ओके, इसको आप वेरीफाई कर लेना कोई एक मास नंबर कंसीडर करके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, यहां पर 15 नंबर में कोबाल्ट के साथ हाइड्रोजन है तो उसका वेव नंबर कितना दिया, वेव नंबर दिया है कोबाल्ट हाइड्रोजन का, फ्रीक्वेंसी दे रखा है 1840। ध्यान रखना क्वेश्चन में IR स्पेक्ट्रम लिखा हुआ है, IR मतलब आप वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का थ्योरी अप्लाई करेंगे, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी IR स्पेक्ट्रम देगा। तो कोबाल्ट का ड्यूटेरियम के साथ आपको बताना है, तो दिस विल बी ओमेगा ऑसिलेशन बार मल्टीप्लाइड बाय म्यू अपॉन म्यू आई, सो दिस इज इक्वल टू 1840 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट म्यू, म्यू का वैल्यू है 18, म्यू अपॉन म्यू आई, एक CO2 है एक COH है, कोबाल्ट का मास नंबर कुछ ले लो, कोबाल्ट कितना होता है मास नंबर किसी को आइडिया है, 58, 56 कुछ समथिंग ऐसा ही होगा, सो म्यू COH अपॉन म्यू COD, तो COH और COD दोनों के रिड्यूस मासेस का रेशियो कितना हो सकता है अप्रोक्स, अप्रोक्सीमेशन लगाइए, यहां नियरली वर्ड लिखा भी है क्वेश्चन में, वन एट फोर जीरो इंटू वन अपॉन रूट टू, ये बोले तो फुल रो ले रखो है गुट तो ले ले लस्सी की, तो दिस इज इक्वल टू म्यूट कर लो अपने आपको 1301 सेंटीमीटर इनवर्स, सो दिस इज 1301 सेंटीमीटर इनवर्स ऑप्शन ए। तो आप देख रहे हैं जितने भी क्वेश्चंस हैं सब में कहीं ना कहीं हाइड्रोजन रिप्लेस बाय ड्यूटेरियम क्वेश्चन पूछा गया, एवरी टाइम हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड एंड ड्यूटेरियम उसके प्लेस पर आ रहा है, तो यहां 1300 सेंटीमीटर इनवर्स इज द आंसर। तो फ्रीक्वेंसी इन्होंने कोबाल्ट और हाइड्रोजन के बीच में चेक किया, यहां पर CN भी था, CN कोबाल्ट CN के साथ 5 है इसका कंसीडर। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर,
क्वेश्चन नंबर 16 अगेन वी हैव क्वेश्चन HCl एंड DCl. सो DCl के लिए आपको बताना है HCl का फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर, जिस यूनिट की भी बात करो दैट इज गिवन हियर. यूनिट है सेंटीमीटर इनवर्स, तो वेव नंबर आप मान सकते हो. सो ओमेगा ऑसिलेशन बार इज गिवन एज 2886 सेंटीमीटर इनवर्स. एंड आपको बताना है न्यू ऑसिलेशन ओमेगा ऑसिलेशन बार फॉर आइसोटोप मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट म्यू ऑफ दिस टू मॉलिक्यूल्स. रेशियो ले लिया यहां आपको अगर कैलकुलेट करना है एग्जैक्टली तो क्लोरीन का मास नंबर कितना होता है, क्लोरीन का एटॉमिक वेट एटॉमिक मास नंबर 35 समथिंग होता है. तो उसको आप अप्लाई कर सकते हो म्यू HCl बाय म्यू DCl 2886 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो एग्जैक्टली तो ठीक है, अदरवाइज आप डायरेक्ट आंसर 2040 लिख सकते. तो म्यू HCl एच का 135.5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 35.5, क्योंकि कई बार हो सकता है कि ऑप्शंस इतने क्लोज हो कि आप उसमें अप्रोक्सीमेशन ना निकाल पाए, आपको मास नंबर की वैल्यू पुट करना ही पड़ जाए, उसके लिए हम लोग कर रहे हैं. कई बार हो सकता है कि आप ऑप्शंस इतना नियर नियर एक दूसरे के दिया हो, क्लोजर वैल्यूज दे रखी हो कि आप उसमें कंफ्यूजन हो जाए आपको. सो इसलिए मास नंबर आप कहीं ना कहीं कुछ अप्रोक्सीमेशंस करके आप उसका आइडिया लेकर के कि उसका एटॉमिक नंबर इतना है तो डबल उसका मास नंबर हो सकता है, ऐसा थिंकिंग लगा करके आप करोगे. तो ये 35.5 लिख लिया मैंने, तो आंसर जो आ रहा है अब आ रहा है 2065. अब हो सकता है कि इन्होंने 35.5 ना लेकर के 36 ले लिया हो, 36-37 कुछ वैल्यू ले रखा हो, तो हमने जो 35.5 पुट किया तो आंसर हमारा और ज्यादा क्लोज हो गया ऑप्शन बी के साथ, मैचिंग आ रही है ऑप्शन बी के साथ, ये क्लोजली मैच कर रहा है. 2068.47 आ रहा है सर. कितना कितना फिर से बोलो. 2068.47 आपका. यस सर. 35.5 रखने से. यस सर यही आ रहा है. जो मैंने लिखा है वो आ रहा है या जो 2068 बोल रहे हैं वो आ रहा है. सर 2068 वाला. 68 आ गया. 65 नहीं है. No, sir. 68 ये कृति ने लिखा है भाई, अभी क्रांति कृति क्या नाम है इनका, एक स्टूडेंट ने लिखा है इसीलिए मैं कह रहा हूँ. 68.47 ओके चलिए ठीक है, आंसर बी ऑप्शन है ठीक है. सो अब ये तो टॉपिक हमारा ओवर हुआ, हमने आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने वाइब्रेशनल का हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ लिया. अब हमारे पास नेक्स्ट केस है मॉलिक्यूल एज ए एनहार्मोनिक ऑसिलेटर अब हमें डिस्कस करना पड़ेगा. ओके एनहार्मोनिक ऑसिलेटर. सो मॉलिक्यूल एज एनहार्मोनिक ऑसिलेटर. तो यहां तक आपका कोई डाउट नहीं है, क्लियर है पूरा डिस्कशन. चार क्वेश्चन थे, चारों में हाइड्रोजन रिप्लेस्ड बाय ड्यूटेरियम था और लगभग √2 √2 हर जगह पर अपीयर भी कर रहा था. सारे क्वेश्चंस इसी बेसिस पर पूछे गए हैं. सो नेक्स्ट थ्योरी है मॉलिक्यूल एज एन हार्मोनिक ऑसिलेटर. मॉलिक्यूल एज एन हार्मोनिक, हार्मोनिक ना लेकर अब एन हार्मोनिक ऑसिलेटर हम लोग डील करेंगे. एज एन हार्मोनिक ऑसिलेटर. जब बात करते हैं एन हार्मोनिक, उसके लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि
क्यों इसकी जरूरत पड़ रही है, व्हाट इज द नीड ऑफ एन हार्मोनिक ऑसिलेटर, हार्मोनिक से क्या एक्सप्लेन नहीं हो पाया। तो अगर मैं बात करूं तो हार्मोनिक ऑसिलेटर अप्रोक्सीमेशन में हमें वेव नंबर सिंगल एक मिला था, वी हैव ऑब्जर्व सिंगल वन स्पेक्ट्रल लाइन एट द वेव नंबर वैल्यू ओमेगा बार ऑसिलेशन, सिंगल अब्जॉर्प्शन बैंड मिला था, सिंगल अब्जॉर्प्शन बैंड। ये थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस, थ्योरेटिकल कैलकुलेशन क्या दे रहा है, सिंगल अब्जॉर्प्शन बैंड। और थ्योरेटिकल कैलकुलेशन किस बेसिस पर, थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस वेयर मॉलिक्यूल वाज कंसीडर्ड एज ए हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो ये हार्मोनिक ऑसिलेटर केस में हमें सिंगल वन स्पेक्ट्रल लाइन, सिंगल वन बैंड मिला, ऑसिलेटर अप्रोक्सीमेशन। लेकिन जो एक्चुअल रिजल्ट होता है, एक्सपेरिमेंटल डेटा होगा, दैट एक्सपेरिमेंटल डेटा विल हैव मोर देन वन स्पेक्ट्रल लाइंस, एक से ज्यादा स्पेक्ट्रल लाइन वहां पर अवेलेबल होंगी, और वो स्पेक्ट्रल लाइंस में पहला जो बैंड होगा ओमेगा ऑसिलेशन के अबाउट, उसको हम लोग नाम देंगे फंडामेंटल बैंड। सो हियर वी विल हैव ए हाईली इंटेंस स्पेक्ट्रल लाइन, हाईली इंटेंस बैंड। जैसे यहां पर इंटेंसिटी लार्ज होगी, वैसे इंटेंसिटी लार्ज हमें। तो एक जो सिंगल बैंड है वो सिंगल बैंड एक्सपेरिमेंट में और थ्योरी में सेम पोजीशन पर लाई करता है, मतलब हार्मोनिक ऑसिलेटर कुछ हद तक तो सही देता है, लेकिन साथ साथ जो एक्सपेरिमेंटल डेटा है उसमें कुछ स्पेक्ट्रल लाइंस हायर वेव नंबर्स पर भी मिलती है, हायर वेव नंबर्स पर भी मिलती है, जिनकी इंटेंसिटी कम होती है, रिलेटिवली लेस होगी फ्रीक्वेंसी, लेकिन सॉरी इंटेंसिटी रिलेटिवली कम होगी, लेकिन वो अपीयर करेगा, अपीयर तो करेगा श्योर है, लेकिन अब इंटेंसिटी उसकी कम रहेगी। और कहां कहां पर ऑब्जर्व होता है, ये लगभग 2 ओमेगा ऑसिलेशन, अप्रोक्सीमेटली 2 ओमेगा बार ऑसिलेशन पर मिलेगा। और एक दूसरा फिर एक लाइन और मैं बना देता हूं, जो उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 3 ओमेगा बार ऑसिलेशन पर मिलेगा, ठीक है। तो ये जो चांसेस बन रहे हैं हमारे पास अदर स्पेक्ट्रल लाइंस के, इनको हम लोग एक्सप्लेन करने के लिए एंड हार्मोनिक ऑसिलेटर अप्रोक्सीमेशन चूज करेंगे। तो यहां इन द एक्सपेरिमेंटल डेटा, जब हम लोग एक्सपेरिमेंटल डेटा की बात करते हैं, इन केस ऑफ एक्सपेरिमेंटल डेटा वी विल ऑब्जर्व फंडामेंटल बैंड एट द सेम वेव नंबर वैल्यू एट विच वी हैव ऑब्जर्व ओमेगा ऑसिलेशन बार ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। सो हार्मोनिक ऑसिलेटर का ओमेगा बार ऑसिलेशन जहां मिला है, उसी वेव नंबर वैल्यू पर हमें सिंगल एक बैंड मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं कि ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बैंड है, हाईएस्ट इंटेंसिटी बैंड है, दिस वन इज फंडामेंटल बैंड। तो इसकी इंटेंसिटी लार्ज होगी, फ्रीक्वेंसी एज इट इज मैच कर जाएगा। नेक्स्ट आएगा जो आपके पास थोड़ा सा इंटेंसिटी कम रहती है, उसको बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन, दिस इज फर्स्ट ओवरटोन। नेक्स्ट जो आएगा उसको बोलेंगे सेकेंड ओवरटोन। ये ओवरटोन्स का जो एक्सप्लेनेशन है, ये तभी आप कर पाओगे जब आप डिस्कस करोगे एन हार्मोनिक अप्रोक्सीमेशन। तो मैंने थर्ड ओवरटोन तक दिखा दिया, दिस इज थर्ड ओवरटोन। तो जो ओवरटोन्स का रिजल्ट मिलता है, दैट विल बी एक्सटेंड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एन हार्मोनिक अप्रोक्सीमेशन। इसकी वैल्यू होती है, जो थर्ड ओवरटोन दिखाया वो 4 ओमेगा ऑसिलेशन बार के अप्रोक्स होगा, सेकेंड ओवरटोन जो होगा वो 3 ओमेगा बार ऑसिलेशन के बार आसपास होगा वेव नंबर वैल्यू। ये इमेज आप बना लीजिए ओवरटोन्स, अब इसको लैंग्वेज में लिखाऊंगा तो उससे आपको और अच्छा क्लियर होगा कि मैं इसमें एक्सप्लेन क्या करना चाह रहा हूं। फंडामेंटल बैंड, फर्स्ट ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन, दीज आर द डिफरेंट ओवरटोन बैंड्स।
तो ये है एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल डेटा ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, ये ग्राफ मैंने शो किया एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रम डायटॉमिक मॉलिक्यूल का जो ओरिजिनल स्पेक्ट्रम आता है एक्सपेरिमेंटली वो यही ऑब्जर्व होता है। बना लिया? चलिए अच्छा है। सो नेक्स्ट, अब इसका थ्योरेटिकल थोड़ा लैंग्वेज लिखेंगे एंड देन उसको मैथमेटिकली आयन हार्मोनिक लेकर सॉल्व करेंगे। सिंगल अब्जॉर्प्शन बैंड और यहाँ डिफरेंट अब्जॉर्प्शन बैंड अवेलेबल है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग हार्मोनिक अप्रोक्सीमेशन ना लेकर आयन हार्मोनिक लेंगे। देखते हैं आयन हार्मोनिक में मैथमेटिकली क्या करना पड़ेगा। सो ए कंपेरिजन ऑफ, मैंने ग्राफ बना दिया, अब उसके लैंग्वेज लिखता हूं, ए कंपेरिजन ऑफ एक्सपेरिमेंटली, ए कंपेरिजन ऑफ एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड आईआर स्पेक्ट्रा, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा, बहुत सारे स्पेक्ट्रम ले सकते हो, स्पेक्ट्रा ले सकते हो, विद द स्पेक्ट्रम एक्सपेरिमेंटली ऑब्जेक्ट को किसके साथ कंपेयर करोगे, विद द स्पेक्ट्रम ऑब्टेंड इन, विद द स्पेक्ट्रम ऑब्टेंड इन हार्मोनिक ऑसिलेटर अप्रोक्सीमेशन, हार्मोनिक ऑसिलेटर अप्रोक्सीमेशन में जो आई आर स्पेक्ट्रम मिलेगा उसको कंपेयर करना है एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड स्पेक्ट्रम के साथ। ऑब्टेंड इन हार्मोनिक ऑसिलेटर अप्रोक्सीमेशन शोज एन इंपॉर्टेंट डिसएग्रीमेंट, दोनों में एग्रीमेंट तो दिख नहीं रहा है, शोज एन इंपॉर्टेंट डिसएग्रीमेंट, दोनों इमेजेज में एक स्पेक्ट्रल लाइन तो मैच कर रही है और जो ओवरटोन्स है वो डिसएग्रीमेंट कर रहा। सो आप लिख सकते हैं सोज एन इंपॉर्टेंट डिसएग्रीमेंट। सो द हार्मोनिक ऑसिलेटर, द हार्मोनिक ऑसिलेटर वुड गिव ए स्पेक्ट्रल लाइन, सिंगल सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन वुड गिव, जो हार्मोनिक ऑसिलेटर है वो हमें सिंगल एक स्पेक्ट्रल लाइन देगा, जबकि एक्चुअल डेटा में मोर देन वन स्पेक्ट्रल लाइन, जो कि ओमेगा ऑसिलेशन, ओमेगा टू ओमेगा ऑसिलेशन से थोड़ा लोअर वैल्यू पे रहेगा। सो ऑसिलेटर, हार्मोनिक ऑसिलेटर वुड गिव ए सिंगल बैंड, वुड गिव ए सिंगल बैंड एट ओमेगा बार ऑसिलेशन, while ओमेगा बार ऑसिलेशन में हमें एक सिंगल लाइन दे रहा था, कौन दे रहा था, हार्मोनिक ऑसिलेटर, while in actual experimental data, in actual experimental data, in actual experimental data, we found an intense, highly intense, high intensity है, तो intense fundamental, an intense fundamental band, intense fundamental band at omega bar oscillation. प्लस, और क्या मिलता है, प्लस ए नंबर ऑफ, प्लस ए नंबर ऑफ वीक बैंड्स, वीक बैंड्स को हम लोग बोलते हैं ओवरटोन्स,
weak bands or overtones. Overtone bands, weak bands को आप overtone bands बोल सकते हो, या single overtone भी word बोलते हो तो ठीक है, but उसको fundamental लिखा है तो उसको overtone band लिख सकते हो. Overtone band, weak bands at wave number values, wave numbers lesser and lesser than 2 omega oscillation, 3 omega oscillation. तो एक्चुअली एग्जैक्टली 2 ओमेगा वार ऑसिलेशन पे नहीं मिलेगा, उससे थोड़ा लेस वैल्यू पर रहेगा. 3 ओमेगा ऑसिलेशन पर ना मिलकर उससे भी थोड़ा लेस वैल्यू पर ये अपीयरेंस होगा. एट वेव नंबर, वेव नंबर्स लेसर एंड लेसर देन, लगातार लेस होता जाएगा, लेसर एंड लेसर देन 2 ओमेगा बार ऑसिलेशन, 3 ओमेगा बार ऑसिलेशन, 4 ओमेगा बार ऑसिलेशन, डॉट डॉट डॉट. ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग एन हार्मोनिक लेंगे, ये लाइन लिख देता हूं. सो द ऑब्जर्वेशन, अभी तक मैंने जो इमेज बनाया था उसके साथ जो एक्सप्लेन किया वही मैंने यहां लैंग्वेज में आपको मेंशन कर दिया. सो द ऑब्जर्वेशन ऑफ ओवरटोन्स, ऑब्जर्वेशन ऑफ ओवरटोन्स इंडिकेट्स दैट द सेलेक्शन रूल, अगर 2 ओमेगा बार ऑसिलेशन आएगा, 3 ओमेगा बार ऑसिलेशन आएगा, तो इसका मतलब सिलेक्शन रूल डेल्टा एन की वैल्यू प्लस माइनस 1 के साथ प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 भी वैलिड होना चाहिए. सो द ऑब्जर्वेशन ऑफ ओवरटोन्स इंडिकेट्स दैट द सिलेक्शन रूल डेल्टा एन इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 इज नॉट स्ट्रिक्टली ओबेड, ये स्ट्रिक्टली ओबेड नहीं हो रहा है, एंड ट्रांजिशंस करेस्पॉन्डिंग टू डेल्टा एन ग्रेटर देन 1 आल्सो टेक प्लेस, एंड ट्रांजिशंस करेस्पॉन्डिंग टू डेल्टा एन greater than one also take place. Delta n greater than 1 do takes place. इसका मतलब है कि अदर ट्रांजिशन जिसमें डेल्टा एन की वैल्यू प्लस माइनस वन से ज्यादा हो वो भी पॉसिबल है, क्योंकि अगर प्लस माइनस वन होता तो वहां पर ओमेगा ऑसिलेशन बार ही सिंगल एक वेव नंबर वैल्यू अपीयर करता, लेकिन यहां इसका मतलब है कि वेव नंबर वैल्यूज 2 ओमेगा ऑसिलेशन, 3 ओमेगा ऑसिलेशन, 4 ओमेगा ऑसिलेशन के अप्रोक्सीमेट आ रहा है. दैट मींस कि डेल्टा एन इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 ये स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर रहे हैं लोग मॉलिक्यूल्स, और इसके लिए फर्दर हमें डेल्टा एन ग्रेटर देन 1 2 3 4 5 जो भी इससे वैल्यूज मिलेंगी, डेल्टा एन वैल्यू 2 3 4 दे आर ऑल अलाउड, वो भी अलाउड माना जाएगा. और उसी को एक्सप्लेन करने में अब हम लोग मॉलिक्यूल को एज एन हार्मोनिक अप्रोक्सीमेशन कंसीडर करेंगे, ऑसिलेटर मानेंगे और फिर उसकी वैल्यूज को वेरीफाई कर लेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो यहां तक आप लिख लीजिए लैंग्वेज को. हाँ जी बोले सर, जो अभी बैग में डायग्राम था उसमें जो बैंड्स थे वो भी इसमें भी इक्विडिस्टेंट ही है? नहीं भाई, तभी तो लेसर एंड लेसर वर्ड डाला है ना मैंने, कहीं लेसर एंड लेसर देन 2 ओमेगा ऑसिलेशन, 3 ओमेगा, इसका मतलब एग्जैक्टली ये जो एनर्जी लेवल डायग्राम मैंने स्पेक्ट्रम दिखाया है, इस स्पेक्ट्रम में जो भी 3-4 लाइंस मैंने यहाँ एक्सपेरिमेंटल डेटा वाला दिखाया है दे आर नॉट इक्विडिस्टेंट. ये जितना आगे जाओगे उतना ही स्पेसिंग थोड़ा थोड़ा स्लाइटली कम होगा, और इसीलिए मैंने अप्रोक्सीमेटली 2 ओमेगा ऑसिलेशन, 3 ओमेगा ऑसिलेशन, अप्रोक्सीमेटली 4 ओमेगा ऑसिलेशन लिखा है. एक्चुअली इनकी वैल्यू से थोड़ा सा कम रहती है, थोड़ा थोड़ा कम रहती है, जैसे जैसे आगे बढ़ते हो ओवरटोन्स के बीच में स्पेसिंग कम होता जाएगा.
अभी दिखाऊंगा मैं, अभी उसका कैलकुलेशन होगा। ओके सर। हाँ जी चलिए अब हम लोग ले लेते हैं कैलकुलेशन के लिए एन हार्मोनिक ऑसिलेटर उसका पोटेंशियल एनर्जी। ओके सो नाउ वी कंसीडर और मॉलिक्यूल एज एन हार्मोनिक ऑसिलेटर, एज एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, लेट वी आर इज इक्वल टू एफ आर माइनस आर ई स्क्वायर माइनस जी आर माइनस आर ई क्यूब। ओके वेयर एफ एक्स क्यूब माइनस जी एक्स रेज टू पावर टू, पहले टू रखना पड़ेगा देन थ्री, एफ एक्स स्क्वायर जी एक्स क्यूब। मैंने क्या लिखा है, ये पोटेंशियल एनर्जी लिखा है और मैं कंसीडर कर रहा हूं एक थर्ड पावर का टर्म। वेयर एक्स इज इक्वल टू आर माइनस आर ई, लास्ट क्लास में मैंने आर माइनस आर ई लिखा था तो आर माइनस आर ई के साथ टर्म लिखा एंड बी आर। सो दिस एफ टाइम्स आर माइनस आर ई स्क्वायर, यहाँ एफ और जी साथ में आप एक एच का फंक्शन भी लगा सकते थे, एच आर माइनस आर ई रेज टू पावर फोर प्लस एच के बाद फिर आई आर माइनस आर ई रेज टू पावर फाइव, हायर ऑर्डर टर्म्स भी आप इंक्लूड कर सकते हो, बट आई एम कंसिडरिंग ओनली टू टर्म्स इन द पोटेंशियल एनर्जी, स्क्वायर एंड क्यूबिक। स्क्वायर एंड क्यूबिक दो टर्म मैं ले रहा हूं, अदरवाइज अगर आपको लेना है तो आप यहां पर पीएम मोर्स पोटेंशियल एनर्जी भी ले सकते हो। पीएम मोर्स एक साइंटिस्ट का नाम है, पीएम मोर्स इज द नेम ऑफ ए साइंटिस्ट who has taken potential energy, ये box में लिख लेंगे हम लोग। Potential energy को PM Morse ने बोला कि potential energy can have values of R minus R e raised to power 1, raised to power 2, raised to power 3, raised to power 4, etc. up to infinite. तो PM Morse potential उसको बोलते हैं हम लोग। PM Morse potential energy का formula होता है VR is equal to DE 1 minus exponential A R minus R E minus R square, where R E is equilibrium separation, मॉलिक्यूल के इक्विलिब्रियम सेपरेशन को आर ई लिख लिया। देन डीई क्या है, डीई इज डिसोसिएशन एनर्जी, डिसोसिएशन एनर्जी। डीई इज डिसोसिएशन एनर्जी एंड ए इज some constant. So this is the Morse potential energy where DE dissociation energy को express कर रहा है। तो PM Morse ने एक formula बनाया, उसने बोला कि जो potential energy का formula है आप इस तरह से पूरा lengthy सा formula लिख सकते हो जिसमें infinite number of terms available होंगे। कैसे infinite हुआ, आप जानते हैं exponential series एक infinite series है, एक्सपोनेंशियल सीरीज एक इनफाइनाइट सीरीज है, तो टर्म्स आपके पास इनफाइनाइट टर्म्स अवेलेबल हो जाएंगे। अब उन इनफाइनाइट टर्म्स को आप लेकर के देखोगे तो आपको ये पीएम मोर्स का पोटेंशियल इनफाइनाइट टर्म्स देगा। तो इस इनफाइनाइट सीरीज में मैंने क्या किया, स्क्वायर एंड क्यूब दो टर्म्स लेकर के फंक्शन बना लिया, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एफ आर माइनस आर ई स्क्वायर जी आर ई माइनस आर माइनस आर ई क्यूब। क्लियर है, यहां से ये फॉर्मूला देख रहे हो ना, इसमें जो लोएस्ट टर्म होगा उसमें आर माइनस आर ई स्क्वायर रहेगा, जो उससे थोड़ा हायर ऑर्डर टर्म होगा उसमें आर माइनस आर ई क्यूब रहेगा। ओके तो ये एक अप्रोक्सीमेशन के तहत, जैसे सेक्सन वुड्स पोटेंशियल आपने पढ़ा होगा,
सैक्सन वुड्स में हार्मोनिक ऑसिलेटर एक स्टर्म जैसा अपीयर करता है, न्यूक्लियर में पढ़ा होगा सैक्सन वुड्स पोटेंशियल सेल मॉडल पढ़ते समय। तो ऐसे ही यहाँ एक पोटेंशियल एनर्जी मॉलिक्यूलर में दिया पीएम मॉर्स ने, जिसमें बहुत सारे टर्म्स अपीयर कर रहे हैं और हम लोग इसमें से केवल दो टर्म्स क्यूब और स्क्वायर टर्म्स को कंसीडर कर रहे हैं। सो नाउ हियर जी विल बी वेरी वेरी लेस देन एफ, क्योंकि ये टर्म तो डोमिनेटिंग है, ये टर्म थोड़ा लेस डोमिनेटिंग होगा। आर माइनस आर ई क्यूब की जो वैल्यू है दैट विल बी स्मॉलर, तो यहाँ पर जी वैल्यू स्मॉलर देन एफ होगा। जैसे हम लोगों ने रिजिड और नॉन रिजिड अप्रोक्सीमेशन किया था तो कैपिटल डी की वैल्यू डिस्टॉर्शन कांस्टेंट की वैल्यू हमने स्मॉलर देन रोटेशनल कांस्टेंट लिया था। यहां सो जो जी वैल्यू होगा दैट विल बी स्मॉलर देन एफ, जी इज स्मॉलर देन एफ, ये ध्यान रखना है आपको। जितने हायर ऑर्डर टर्म्स लोगे उतना ही एनर्जी रिफाइन होता जाएगा, करेक्ट होता जाएगा, और जो अदर एनर्जी टर्म्स हैं वो उतने ही छोटे 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 स्मॉल वैल्यूज होते जाएंगे। तो चलिए इसका एक ग्राफ बनाते हैं और एक ग्राफ बनाकर फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे इस पर्टिकुलर केस के लिए, लेकिन उसके साथ हमें श्रोडिंगर इक्वेशन का सोल्यूशन चाहिए। इसको इक्वेशन नंबर वन मान लेता हूं मैं, ठीक है, इक्वेशन वन ले लेता हूं इसको एनर्जी स्पेक्ट्रम दिखाने के लिए। चलिए देखते हैं। सो बाय सॉल्विंग श्रोडिंगर इक्वेशन विथ पोटेंशियल एनर्जी वी आर इज इक्वल टू एफ आर माइनस आर ई स्क्वायर माइनस जी आर माइनस आर ई क्यूब, वी गेट एनर्जी आइजन वैल्यूज फॉर एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए एनर्जी आइजन वैल्यू मिलेगा फॉर एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। सो वैल्यू क्या होगी, वैल्यू हो जाएगा ई एन इज इक्वल टू एच सी ओमेगा ई बार एंड एन प्लस हाफ माइनस एच सी ओमेगा ई एक्स ई एन प्लस हाफ होल स्क्वायर। ओके, सो दिस इज इक्वेशन नंबर टू वेयर n is vibrational quantum number, its value starts from 0, then its value is 1, 2, 3, so this accepts 0 and positive integers, 0, 1, 2, 3, 4, so on, omega bar e, this is wave number, value है x e is anharmonicity constant, and ध्यान रखना x e जो है वो dimensionless है, XE is dimensionless and harmonic constant with no dimension, zero dimension के साथ appear करेगा XE। So XE is dimensionless quantity. Okay? So this is the energy value. Then term value लिखना हो तो term value हो जाएगा gn is equal to en upon
hc and this value will be omega e bar n plus half minus omega e bar xe n plus half whole square. ठीक है, सो आप देखेंगे कि जो टर्म वैल्यू है gn उसमें n प्लस हाफ पहले टर्म में, n प्लस हाफ स्क्वायर दूसरे टर्म में. जैसे हम लोग रिजिड से नॉन रिजिड ले जाते थे तो जे जे प्लस वन स्क्वायर जे जे प्लस वन पहले टर्म में था जे जे प्लस वन, दूसरे टर्म में था जे जे प्लस वन स्क्वायर. तो यहां पर है n प्लस हाफ स्क्वायर और ओमेगा ई एक्स ई, ओमेगा बार एक्स ई सेकेंड टर्म में है, फर्स्ट टर्म में है ओमेगा ई. तो ओमेगा ई जो है ओमेगा ई बार दैट इज एक्चुअली ओमेगा ऑसिलेशन जो हमने पहले डिस्कस किया हुआ था उसी के सिमिलर वैल्यू यहाँ ओमेगा ई बार आ रहा है. लेकिन दोनों में डिफरेंस क्रिएट रखने के लिए वहां ओमेगा ऑसिलेशन हमने सिंगल एक वैल्यू लिखा था, यहाँ पर ओमेगा ई बार जो है वैल्यू थोड़ा सा डिफरेंट करके सफिक्स में यहाँ ई लगा दिया, सबसे सफिक्स या सबस्क्रिप्ट जो भी आप इसको समझोगे, तो सफिक्स या सबस्क्रिप्ट में मैंने ओमेगा के साथ ई लगाया है. दैट मींस ये जो वैल्यू लिखा हुआ है ये उससे डिफर करे, आप दोनों का डिस्कशन अलग अलग समझ पाए, अलग अलग माइंड अप्लाई कर पाए, अदरवाइज दोनों मैचिंग हो जाएगा तो फिर गड़बड़ होता है. इसीलिए दोनों का सिंबल अलग अलग लिया, ओमेगा बार के साथ ई लगा दिया है. ये एन हार्मोनिक वाला टर्म अंडरस्टूड हो जाएगा. ओके, सो ये इक्वेशन थ्री है. दिस इज टर्म वैल्यू गिवन इन यूनिट्स ऑफ सेंटीमीटर इनवर्स एंड हियर ओमेगा ई बार ऑसिलेशन के करेस्पॉन्डिंग ओमेगा बार ई अवेलेबल है, ओमेगा बार ई. सो अब मैं अगर एन की वैल्यूज पुट करता जाऊं, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एन विल गिव यू डिफरेंट टर्म वैल्यूज. और n इज इक्वल टू जीरो, n इज इक्वल टू वन और n इज इक्वल टू टू और n इज इक्वल टू थ्री और n इज इक्वल टू फोर एंड देन डॉट डॉट डॉट. सो g जीरो कितना होगा, g वन कितना होगा, g टू कितना होगा, g थ्री, g फोर. जी जीरो, जी वन, जी टू, जी थ्री, जी फोर, दीज वैल्यूज बिकम्स, आप देख रहे हैं ओमेगा बार ई एन प्लस हाफ, जो एन प्लस हाफ है यहाँ एन प्लस हाफ स्क्वायर है, ओमेगा ई बार ओमेगा ई एक्स ई. सो ये होगा ओमेगा बार ई वन बाय टू माइनस यहाँ आएगा ओमेगा बार ई एक्स ई. तो ये वन बाई टू है तो वन बाई फोर, थ्री बाई टू ओमेगा बार ई माइनस नाइन बाई फोर ओमेगा बार ई एक्स ई. ओके, तो आपने एन की वैल्यू वन जीरो और अब टू रखेंगे, तो टू रखेंगे तो टू प्लस हाफ मीन्स फाइव बाई टू माइनस ट्वेंटी फाइव बाई फोर ओमेगा बार ई एक्स ई. फिर है सेवन बाई टू, सेवन बाय टू ओमेगा ई बार माइनस फोर्टी नाइन बाई फोर. फिर आएगा नाइन बाय टू माइनस एट्टी वन, एट्टी वन बाई फोर. सो दीज आर द डिफरेंट टर्म वैल्यूज करेस्पॉन्डिंग टू वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, सो ऑन. Okay. Now here you can see that energy levels are not equidistant. Here we can say that पहले वाले में energy levels equal spacing के साथ available थे, 1 by 2, 3 by 2, 5 by 2, 7 by 2 difference रख रहा था, अलग अलग दिखा रहे थे. So अब यहां पर हम लोग कह सकते हैं, here we can say that क्या कह सकते हैं, क्या देख सकते हैं हम लोग, हियर वी कैन सी दैट इनर्जी लेवल्स आर नॉट इक्विडिस्टेंट, हियर वी कैन से दैट
एनर्जी लेवल्स आर नॉट इक्वी डिस्टेंट। ये एनर्जी लेवल्स की बात कर रहा हूं, स्पेक्ट्रम की बात अभी हम लोग बाद में करेंगे, बट देयर सेपरेशन डिक्रीजेस, बट देयर सेपरेशन इक्विडिस्टेंट नहीं है तो क्या है, देयर सेपरेशन डिक्रीजेस स्लोली, धीरे धीरे घट रहा है स्लोली विथ इंक्रीजिंग एन, एन बढ़ाने के साथ स्लोली एनर्जी लेवल्स के बीच का डिफरेंस घटता जा रहा है, डिक्रीज करता जा रहा है। ओके, सो नाउ सिलेक्शन रूल, यहां सिलेक्शन रूल आपने बोला कि डेल्टा एन प्लस माइनस वन इज नॉट स्ट्रिक्टली ओबेड, उसके प्लेस पर अदर सिलेक्शन रूल्स डेल्टा एन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री दे आर ऑल अलाउड, वो भी यहां पर अलाउड करना पड़ेगा। तो सिलेक्शन रूल इज नाउ डेल्टा एन इज इक्वल टू प्लस माइनस वन एज यू हैव कंसीडर्ड इन हार्मोनिक, देन प्लस माइनस टू और सेकेंड ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन, जितने भी आएंगे ओवरटोन के लिए आपको प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री प्लस माइनस फोर, ये डिफरेंसेस भी वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर के लिए कंसीडर करना पड़ेगा, इसी से एक्सपेरिमेंटल डेटा मैच करेगा। ओके, सो एक्सपेरिमेंटल डेटा मैच कराना है तो आपको ये डिफरेंसेस अज्यूम करना पड़ेगा, कंसीडर करके चलना पड़ेगा। एक इमेज बनाना पड़ेगा एनर्जी लेवल डायग्राम, उसी में स्पेक्ट्रम दिखाऊंगा और स्पेक्ट्रम के करेस्पॉन्डिंग वेव नंबर कैलकुलेशन ये एक्सप्लेन करूंगा मैं। आप सो अगर मैं स्पेक्ट्रम की बात करूं, एनर्जी लेवल डायग्राम की बात करूं, तो इस केस में जब हमने पोटेंशियल एनर्जी को प्लॉट किया विथ रिस्पेक्ट टू आर, हार्मोनिक में तो आपका सीधा सीधा पैराबोलिक आ जाता है, यहां पैराबोला नहीं आएगा, यहां इस केस में पैराबोला ना आकर के इमेज कुछ इस तरह का रहेगा। ठीक है, एक बार और ट्राई करता हूं अच्छा बनाने का। तो कुछ इस तरह का इमेज रहेगा कि वो आपको जैसे सही का निशान लगाते हैं ना हम लोग, करेक्ट है सिम, कुछ ऐसा इमेज आपको दिखेगा जिसमें कि लोएस्ट ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, एनर्जी वैल्यू स्लाइटली घटता भी जाएगा, जैसे जैसे एन बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे एनर्जी वैल्यू डिफर करेगा, डिक्रीज करेगा। ओके, एनर्जी लेवल स्पेसिंग नाउ डिक्रीजिंग बाय इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर एन। एक ऐसा टाइम आएगा जब ये एनर्जी लेवल्स कोलैप्स कर जाएंगे, देयर विल बी जीरो डिफरेंस, वेव नंबर डिफरेंस इनके बीच में जीरो होने लगेगा, तो आप कहोगे कि दे आर नाउ कोलैप्स्ड। तो कोलैप्स होगा उसको भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा डिसोसिएशन एनर्जी कॉन्सेप्ट लेकर। सो हियर यू आर शोइंग एनर्जी ऑन वाई एक्सिस, on x axis you are having value of r, ye hai n is equal to 0, n is equal to 1,
n is equal to 2, n is equal to 3, n is equal to 4, n is equal to 5, 6, और यहां जब आपका पूरा ये मैच कर जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा, उस समय पर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स कोलैप्स कर जाएंगे। वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स एक साथ मैच कर जाएंगे तो आप यहां पर एक कॉन्टिन्यूम बना सकते हो, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रल लाइन जैसा दिखने लगेगा, क्योंकि एनर्जी लेवल्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। ओवरलैपिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, सॉरी एनर्जी लेवल्स, वो आपको एक कंटिन्यूम जैसा दिखेगा। एनर्जी लेवल्स जब कोलैप्स करेंगे तो लगेगा कि यहाँ पर जीरो एनर्जी डिफरेंस रखते हुए कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रल लाइंस अवेलेबल है, सॉरी एनर्जी लेवल्स अवेलेबल है, कंटिन्यूअस एनर्जी लेवल्स अपीयर कर रहे हैं, डिस्क्रीटनेस उसका फिनिश हो जाएगा। ओके, सो यहां तक आपको इसको दिखाना चाहिए। अब ये जो ट्रांजिशन जीरो से वन वाला था, इसको आपने पहले देखा, इसका नाम आपने दिया था फंडामेंटल। जीरो से टू ये फर्स्ट ओवरटोन हो जाएगा, जीरो से थ्री ये सेकेंड ओवरटोन, जीरो से फोर इसका नाम दे दिया मैंने थर्ड ओवरटोन। तो ओवरटोन्स और फंडामेंटल बैंड का ऑब्जर्वेशन अब मैं एक्सप्लेन करने चल रहा हूं। तो वन बाय वन ये सब एक्सप्लेन करूंगा मैं, इसीलिए देखिए फिर से मिटा दिया हूं, फिर से मैं बनाऊंगा साफ साफ अच्छा सा इमेज, जिससे कि फ्यूचर में दोबारा नोट्स पढ़ो तो लगे कि सब सही है। तो ट्रांजिशन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट, मॉलिक्यूल्स लोअर टेम्परेचर पर ग्राउंड स्टेट में अवेलेबल होंगे, और उनका ट्रांजिशन ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, यही आपको डिफरेंट डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन देगा। तो आप स्पेक्ट्रल लाइंस एक फंडामेंटल बैंड के करेस्पॉन्डिंग, एक फर्स्ट ओवरटोन के, सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन, फोर्थ ओवरटोन, इस तरह से आपको डिफरेंट डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती जाएगी। ओवरटोन, बना लीजिए इसको। ये फंडामेंटल बैंड है, फंडामेंटल बैंड, देन है फर्स्ट ओवरटोन, देन सेकेंड ओवरटोन, ये है थर्ड ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन। तो ऑकरेंस ऑफ डिफरेंट ओवरटोन्स आप देख रहे हैं कि ट्रांजिशन करेस्पॉन्ड कर रहा है जीरो से वन, वो है फर्स्ट जो फंडामेंटल बैंड है, जीरो से टू उस पर फर्स्ट ओवरटोन मिलेगा, जीरो से थ्री सेकेंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन एटसेट्रा। चलिए देखते हैं अब हम लोग एज ए ट्रांजिशन, पहले वेव नंबर निकालना होगा, अलग अलग लाइंस को कंसीडर करना पड़ेगा। सो नाउ द वेव नंबर करेस्पॉन्डिंग टू ट्रांजिशन
corresponding to transition. Transition कौन सा ले रहे हैं? Transition from n double prime to n prime. n double prime से n prime तक transition अगर consider किया जाए तो wave number क्या होगा? Value of wave number will be equal to difference of term values corresponding to these vibrational quantum numbers. तो new bar n double bar to n n double prime to n single prime. तो आ जाएगा g n prime minus g n double prime. यही होगा, जैसे लास्ट केस में किया था वैसा ही मैं यहां भी पहले अज्यूम कर रहा हूं, क्योंकि मुझे यहां पर n की वैल्यू का डिफरेंस प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू कुछ भी लेना पड़ सकता है. सो दिस विल बी इक्वल टू g ओमेगा e बार n प्राइम प्लस हाफ माइनस ओमेगा e बार x e n प्राइम प्लस हाफ स्क्वायर. एक ब्रेकअट हो गया माइनस ओमेगा e बार n डबल प्राइम प्लस हाफ माइनस ओमेगा e बार x e n डबल प्राइम प्लस हाफ स्क्वायर. दिस वैल्यू बिकम्स, इन दोनों के डिफरेंस को अगर देखेंगे तो पहले पहले टर्म, दोनों ब्रेकेट के पहले टर्म्स का डिफरेंस ओमेगा e बार n प्राइम माइनस n डबल प्राइम हो जाएगा माइनस ओमेगा e बार x e. अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो n डबल प्राइम स्क्वायर और n प्राइम स्क्वायर का डिफरेंस आप देख रहे हैं. सो आएगा ये वैल्यू n प्राइम माइनस n डबल प्राइम एंड इन वन ब्रेकर वी विल हैव n प्राइम प्लस n डबल प्राइम प्लस वन. चेक कीजिए क्या यही वैल्यू आएगी या कुछ और आ रहा है. तो ये वेव नंबर corresponding to n double prime to n prime transition का है. इक्वेशन नंबर फोर हो जाएगा ये. इक्वेशन नंबर फोर अब इसमें फंडामेंटल बैंड और ओवरटोन्स के लिए मैं वेव नंबर वैल्यूज कैलकुलेट करूंगा. नाउ केस वन, और फंडामेंटल बैंड फंडामेंटल बैंड के लिए ट्रांजिशन क्या होगा? ट्रांजिशन n डबल प्राइम इज इक्वल टू जीरो से n प्राइम इज इक्वल टू वन, ये ट्रांजिशन होगा फंडामेंटल बैंड का. तो इसमें वेव नंबर वैल्यू क्या होगी? जीरो से वन. That will be equal to, अब यहां n डबल प्राइम और n प्राइम वैल्यूज आपको दे दिया, एक का वन है एक का जीरो. सो ओमेगा बार e वन माइनस जीरो माइनस ओमेगा e बार x e. एक में डिफरेंस वन आ जाएगा, वन माइनस जीरो, एक में आएगा वन प्लस जीरो प्लस वन.
चेक करो क्या यही आ रहा है। सो दिस इज द फंडामेंटल बैंड, सेम नंबर वैल्यू करेस्पॉन्डिंग टू फंडामेंटल बैंड। ये फंडामेंटल बैंड का बेब नंबर वैल्यू है। जो एक्सई है, एक्सई दैट इज एनहार्मोनिक एनर्जेटिक कांस्टेंट, वो डायमेंशनलेस है। आपको पता है दैट इज डायमेंशनलेस। नेक्स्ट है फॉर फर्स्ट ओवरटन ओवरटोन बैंड। ओवरटोन बैंड के लिए ट्रांजिशन क्या है? ट्रांजिशन एन डबल प्राइम इज इक्वल टू जीरो टू एन सिंगल प्राइम इज इक्वल टू टू। ये सभी अब्जॉर्प्शन केसेस में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अब्जॉर्प्शन बैंड के लिए। तो एन डबल प्राइम जीरो से एन प्राइम टू तक डिफरेंस अगर देखना हो, सो वेव नंबर करेस्पॉन्डिंग टू जीरो टू टू ट्रांजिशन ओमेगा ई बार टू माइनस जीरो माइनस ओमेगा बार ई एक्स ई टू माइनस जीरो टू प्लस जीरो प्लस वन। ये वैल्यू आ गया टू ओमेगा बार ई माइनस सिक्स ओमेगा बार ई एक्स ई। यू कैन टेक कॉमन, टू ओमेगा बार ई कॉमन ले सकते हैं, वन माइनस थ्री एक्स ई आ जाएगा। सो दिस इज द वेव नंबर करेस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट ओवरटोन बैंड। तो ये फर्स्ट ओवरटोन बैंड के करेस्पॉन्डिंग वेव नंबर है। याद करना थोड़ा मुश्किल होगा इसको। यहां पर मैं एक लाइन थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं। जैसे यहां नीचे कॉमन लेकर के किया है, कॉमन लेके करने से थोड़ा आपको हिंट मिल सकता है याद करने का। वन माइनस टू एक्स ई है, ओमेगा ई बार कॉमन लोगे वन माइनस टू एक्स ई। नीचे जब ओवरटोन लिखा है तो उसमें टू ओमेगा ई बार कॉमन लेना है एंड ब्रेकेट में आएगा वन माइनस थ्री एक्स ई। वन माइनस टू एक्स ई, वन माइनस थ्री एक्स ई, यहाँ ओमेगा ई बार टू ओमेगा ई बार, ये सब मिलता जाएगा। अब आएगा थर्ड ओवर, सेकेंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन। मैं थर्ड ओवरटोन तक डिस्कस कर दे रहा हूं, केस थ्री। और सेकेंड ओवरटोन ट्रांजिशन कौन से हैं? ट्रांजिशन है एन डबल प्राइम इज इक्वल टू जीरो टू एन प्राइम इज इक्वल टू थ्री एंड वेव नंबर न्यू बार जीरो टू थ्री। दिस विल बी इक्वल टू ओमेगा ई बार थ्री माइनस जीरो माइनस ओमेगा ई बार एक्स ई थ्री माइनस जीरो प्लस वन, सॉरी थ्री प्लस जीरो प्लस वन। सो दिस विल बी थ्री ओमेगा ई बार माइनस ट्वेल्व ओमेगा ई बार एक्स ई। यू कैन टेक थ्री ओमेगा ई बार कॉमन, वन माइनस फोर एक्स ई सेंटीमीटर इनवर्स। सो दिस इज द वेव नंबर करेस्पॉन्डिंग टू सेकेंड ओवरटोन। ट्रांजिशन टेक्स प्लेस फ्रॉम जीरो टू थ्री। वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर का चेंज जीरो से थ्री तक हो रहा है। दिस इज सेकेंड ओवरटोन, सॉरी। अब नेक्स्ट है थर्ड ओवरटोन, केस फोर। नेक्स्ट है फॉर थर्ड ओवरटोन। थर्ड ओवरटोन का ट्रांजिशन कहां से कहां तक होगा?
ट्रांजिशन टेक्स प्लेस एन डबल प्राइम इज इक्वल टू जीरो से एन प्राइम फोर तक. सो इट्स वेव नंबर वैल्यू विल बी न्यू बार 0 to 4 ओमेगा ई बार 4 minus 0 and then 4 plus 0 plus 1. So its value will be 4 omega e bar minus 4 plus 4 into 5 20 omega e bar xe. You can take 4 omega e bar common, 1 minus 5 xe, centimeter inverse. 0 to 4 ट्रांजिशन का वेव नंबर ये है. तो ये अप टू थर्ड ओवरटोन मैंने आपको वेव नंबर वैल्यूज कैलकुलेट करके दिखा दिया. फर्दर अलग अगर अच्छा सा कोई मॉलिक्यूल है, हाई टेम्परेचर है, तो और ज्यादा ओवरटोन्स मिल सकते हैं. बट एट लोअर टेम्परेचर एक दो ओवरटोन्स ही मिलेंगे आपको. एट द लोअर टेम्परेचर वैल्यूज यू विल ऑब्जर्व ओनली फ्यू ओवरटोन्स, एक ओवरटोन या दो ओवरटोन ऐसे ही मिल सकता है आपको. बहुत ज्यादा ओवरटोन्स नहीं मिलेंगे. लोअर टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल्स ग्राउंड स्टेट में रहेगा या फिर ग्राउंड स्टेट के कंपेरिजन में फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, इन सब में मॉलिक्यूल जंप कर सकता है. ओके, सो दिस इज द केस वेयर वी हैव कैलकुलेटेड वेव नंबर वैल्यूज करेस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ओवरटोन्स. ओके, तो ये वेव नंबर वैल्यूज आप चेक कर लीजिए. अभी 5-7 मिनट में क्लास और लूंगा, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं मुझे. ठीक है, रात के 9 बजे जब तक का क्लास तो है नहीं, दिन का क्लास है. 5-10 मिनट हम लोग लेंगे क्लास. ठीक है, वेव नंबर कैलकुलेशन देख लिया सबने, आ गया सबका? फंडामेंटल बैंड, फर्स्ट ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन, ये सभी हमने कैलकुलेशंस कर लिया. ओके, क्या हुआ, कोई बोल नहीं रहा है? हाँ तो ठीक है, एक्स्ट्रा नहीं लेता हूं. मेरा 40वां क्लास है ये, 30th क्लास, अब तक कोर्स नहीं खत्म हुआ है ना, अभी आगे लग रहा है 10-12 क्लास तक. चलिए स्टूडेंट्स, क्लास क्वेश्चन शुरू करते हैं. न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2. ओके, 30th क्लास है मेरा, मुझे भी कोर्स फिनिश करना है भाई. 10-5 मिनट एक्स्ट्रा नहीं लेंगे तो हो गया ऐसे ही. आई आर क्लासेस और लगेंगे. हाँ जी, क्या कह रहे हैं? अभी इसकी 10-12 क्लास और लगेंगे. भी दो टॉपिक पूरा का पूरा नहीं फिनिश हुआ है. रमन लेजर, उसके बाद फिर आपका उसी में इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम भी है. सो आईआर स्पेक्ट्रम ऑफ डायटॉमिक मॉलिक्यूल एग्जिबिट ट्रांजिशंस एट 2144 4262 436354 सेंटीमीटर इनवर्स करेस्पॉन्डिंग टू द एक्साइटेशन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वाइब्रेशन स्टेट्स. सो फॉर n इज इक्वल टू 0 to n इज इक्वल टू 1, ये हमें मिलता है फंडामेंटल बैंड. 5-7 मिनट रुक जाइए बस, मैं कुछ कैलकुलेशन करवा देता हूँ क्वेश्चंस का, आप लोग खुद से कर लेना, होमवर्क दे दूंगा मैं. तो फंडामेंटल बैंड कहाँ मिल रहा है? फंडामेंटल बैंड मिलता है 0 से 1 तक ट्रांजिशन, और कहां पर है वो दिखा रहा है 2144 वेव नंबर. तो ये है ओमेगा ई बार माइनस 2 ओमेगा ई बार एक्स ई इज इक्वल टू 2144 सेंटीमीटर इनवर्स. यही है फॉर एन इज इक्वल टू 0 से सेकेंड स्टेट, सेकेंड एनर्जी स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट. ये था फर्स्ट ओवरटोन. यहां पर आएगा ओमेगा ई बार माइनस 2 ओमेगा ई बार माइनस 6
ओमेगा ई बार एक्स ई, ये आएगा 4262 सेंटीमीटर इनवर्स को, ओके। एंड फॉर एन इज इक्वल टू 0 टू एन इज इक्वल टू 3, सेकेंड ओवरटोन क्या मिलेगा? क्वेश्चन में दिखा रहा है ना, ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वाइब्रेशनल स्टेट्स, तो ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट गया तो वो हो गया आपका फंडामेंटल, सेकेंड गया तो फर्स्ट ओवरटोन, तो ये आएगा 3 ओमेगा ई बार माइनस 6, यहां पर था, यहां 3 इंटू 4 12 हो जाएगा। ये जो वेव नंबर वैल्यूज मैंने अभी कैलकुलेट कराई थी फॉर्मूले में, वही यहां पर आपको यूज करना है। तो तीन इक्वेशन हो गया। अब इन तीनों इक्वेशंस का यूज करके फंडामेंटल ट्रांजिशन आपको बताना है डायटॉमिक मॉलिक्यूल का। ओमेगा बार ऑसिलेशन क्या आ रहा था, जहां वहां पे आता था, यहां पे आएगा ओमेगा ई बार। तो ओमेगा ई बार की वैल्यू आपको बतानी है इस क्वेश्चन के लिए, जो कि लगभग 2144 के बराबर ही होगा, बट कैलकुलेशन आपको करना है। सो दिस इज इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। तो आप क्या करोगे, इक्वेशन 1 ले लिया, मल्टीप्लाई कर लो 3 से, क्या आएगा 3 ओमेगा ई बार माइनस 6 ओमेगा ई बार एक्स ई इज इक्वल टू 3 इंटू 2144। अभी दोनों इक्वेशन आपके पास हो गए, माइनस प्लस माइनस, तो आप क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1, जब 3 से मल्टीप्लाई हो गया तो सपोज करो इसको इक्वेशन 4 हो गया, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4 क्या आएगा, या आप कर सकते थे इक्वेशन 3 से 2 को माइनस कर देते, है ना। इक्वेशन 3 4 के सब्ट्रैक्ट करने से, 3 और 4 को सब्ट्रैक्ट करने से आपको मिलेगा 6 ओमेगा ई एक्स ई माइनस 6 ओमेगा ई एक्स ई इज इक्वल टू 2170 6354 माइनस 3 इंटू 2144 सो यहां से जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है ओमेगा ई एक्स ई इज इक्वल टू 13। ये इक्वेशन हो गया 5 एंड यहां पर मैं लिख देता हूं इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट करना इक्वेशन 3 से, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 ये क्या देगा, नहीं 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 सर क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को सबट्रैक्ट कर देने से आ जाता है। हाँ ठीक है, सो देयरफॉर बाई इक्वेशन 5, मैंने इक्वेशन 5 एक बनाया ना अभी, इक्वेशन 1 इंप्लाइज ओमेगा ई बार इज इक्वल टू 2144 प्लस 2 ओमेगा ई एक्स ई, सो ये आया 2144 प्लस 2 इंटू 13 कितना आ गया 2170। तो मैंने इक्वेशन 5 की हेल्प ले ली, इक्वेशन 1 इंप्लाई कर गया, क्या दे दिया इक्वेशन 1 ने, इक्वेशन 1 में हमें मिल गया 2170।
तो 2170 यहाँ ऑप्शन बी आ गया। सो नेक्स्ट अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 इसके साथ लिंक है, एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3 आपके क्वेश्चन बुकलेट में यही है, सिंस ओमेगा ई बार इज इक्वल टू 2170 एंड ओमेगा ई बार एक्सी इसकी वैल्यू आई है 13 सेंटीमीटर इस इनवर्स, देयरफॉर एंड हार्मोनिसिटी कांस्टेंट। आपकी बुकलेट में कुछ गलत प्रिंट हुआ है ना, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 तो वहां पे ओमेगा ई भी लिखा हुआ है, एक्स ई भी लिखा हुआ है, एक्स ई का वैल्यू क्या होगा, एक्स ई का वैल्यू होगा 13/2170। That will be 0.00599। ये डेसिमल के साथ वैल्यू आ रही है और साथ साथ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि एक डायमेंशनलेस वैल्यू है, डायमेंशनलेस वैल्यू है 0.006। ओके, ये लिंक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 दे आर लिंक्ड है दोनों। फर्दर ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, तो ये 0 और 1 का सेपरेशन दिखा रहे हैं 2143 न्यू बार 021 कितना आ रहा है 2143। सेम वही क्वेश्चन है लास्ट वाला, सेम क्वेश्चन है 2143 दिखा रहा है। सो 0 एंड 1 यहां वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स को वी से लिखा है, मैंने एन से लिखा था, दे आर सेपरेटेड बाय 2143 मींस देयर डिफरेंस इज 2143 एंड साथ साथ दे रखा है ओमेगा ई एक्स ई, इसका वैल्यू क्या दे रखा है 14 सेंटीमीटर इनवर्स। सो नेक्स्ट ओमेगा ई बार की वैल्यू क्या होगी, सो ये ट्रांजिशन जो 0 से 1 का है वो होता है ओमेगा ई बार माइनस 2 ओमेगा ई बार एक्स ई 2143 है। सो ओमेगा ई बार कितना आएगा 2143 प्लस 2 ओमेगा ई बार एक्स ई, सो ये होगा 2143 प्लस 2×14 तो आएगा 2171 सेंटीमीटर इनवर्स। एक आंसर तो आ गया, पिछला वाला ही आंसर है लगभग, एंड फर्स्ट ओवर टोन, फर्स्ट ओवर टोन कहां मिलेगा, फर्स्ट ओवर टोन ट्रांजिशन था 0 से 2 तक का और वैल्यू आनी चाहिए थी 2 ओमेगा ई बार माइनस 6 ओमेगा ई बार एक्स ई, सो 2×2171 माइनस 6×14 आंसर आ जाएगा 2×2171 माइनस 14×6 4258 सेंटीमीटर इनवर्स, ऑप्शन हो गया डी। ओके, ऑप्शन डी हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 6 नंबर, ओवरटोन्स आर ऑब्जर्व्ड इन द वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ डायट एटॉमिक मॉलिक्यूल, कब ओवरटोन ऑब्जर्व करोगे, अब ओवरटोन कब ऑब्जर्व होगा, यस ओवरटोन अगर हार्मोनिसिटी अवेलेबल हो और लार्ज हो, एंड हार्मोनिसिटी अगर इंक्लूड कर सकें दैट मींस कि उसका एंड हार्मोनिसिटी वैल्यू लार्ज होनी चाहिए, अगर एक्स ई का वैल्यू बहुत स्मॉल कर दो 0.00005670 टाइम्स 0 कर दो
इसका मतलब है एन हार्मोनिसिटी आपने इग्नोर कर दिया। तो अगर एन हार्मोनिसिटी अवेलेबल है, लार्ज है, तभी आपको ओवरटोन्स मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, होमवर्क 7 नंबर 8 नंबर क्वेश्चंस होमवर्क दे दिया मैंने, 14 नंबर होमवर्क, 20 नंबर होमवर्क, ये क्वेश्चन नंबर 33 ये गेट का क्वेश्चन है, आंसर बताओ मुझे। द एक्सप्रेशन फॉर द सेकेंड ओवरटोन फ्रीक्वेंसी, बी ऑप्शन नहीं, पूछ करके बताइए। ऑप्शन डी सर करेक्ट तो है, सेकेंड ओवरटोन पूछा जा रहा है। yes. न्यू बार होगा सर, 023 या 024? 023 फर्स्ट ओवर टोन 0 से 2 होता है। डी, तो आप सोचिए गेट में वो क्वेश्चन ही आ गया है जो फार्मूला हम लोग डिराइव कर रहे थे। वन माइनस फोर एक्स की, ऑप्शन डी। ओके, अच्छा ये क्वेश्चन का बताओ, क्वेश्चन नंबर 32 का सोल्यूशन पढ़ने वाला क्वेश्चन है, अनइक्वल स्पेसिंग इन द वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स ऑफ डायटॉमिक मॉलिक्यूल वुड बी ड्यू टू, किस कारण से होगी अनइक्वल स्पेसिंग एनर्जी लेवल में? ऑप्शन ए, ए ऑप्शन सर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एनहार्मोनिक टर्म्स, प्रेजेंस ऑफ एनहार्मोनिक टर्म्स इन द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में अगर एनहार्मोनिक टर्म अपीयर करेगा तभी आपको अनइक्वल स्पेसिंग एनर्जी लेवल में मिलेगा। तो एक क्वेश्चन 20 नंबर 14 नंबर 8 7 चार क्वेश्चन में आपको होमवर्क दे देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 8 कुछ है नहीं, आप देख रहे हो डायरेक्टली ये क्वेश्चन फंडामेंटल फर्स्ट ओवरटोन दिया है और आपसे वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। 8 नंबर में ओमेगा ई और एक्स ई का मल्टीप्लीकेशन पूछ रहा है जो लगभग 13.5 होता ही है। इसमें आपको परसेंटेज चेंज निकालना है, इंटर न्यूक्लियर रेजिस्टेंस कितना वेरी करेगा, रोटेशनल कांस्टेंट के साथ आर का रिलेशन आपको मालूम है। यहाँ एन हार्मोनिसिटी कॉन्स्टेंट एक्स ई पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन नंबर ये सॉल्व कर लेते हैं, गेट का है ये कर लेते हैं, क्लास ओवर कर दूंगा मैं। क्वेश्चन में है इक्विलिब्रियम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑसिलेटर इज ऑब्जर्व्ड, कितने के अराउंड ऑब्जर्व कर रहे हो आप? एंड द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी इज करेस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट, फर्स्ट के साथ ओवरटोन वर्ड होगा, फर्स्ट ओवरटोन, तो फर्स्ट ओवरटोन और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन दोनों का रेशियो 2 नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है 1.96, दिस रेशियो इज 1.96। तो फर्स्ट ओवरटोन और फंडामेंटल बैंड दोनों के फ्रीक्वेंसीज का रेशियो 1.96 आ रहा है। मैंने एक बोला था अप्रोक्सीमेटली 2 ओमेगा ऑसिलेशन लिखा था ना, तो 2 ओमेगा ऑसिलेशन का मतलब एग्जैक्टली 2, बट यहाँ लेस देन 2 आ रहा है, 1.96 जस्ट अप्रोक्सीमेशन के कारण आप 2 बोल सकते थे उसको। सो इसकी वैल्यू जो आएगी, फर्स्ट ओवरटोन आता है 2 ओमेगा ई बार माइनस 6 ओमेगा ई बार एक्स ई डिवाइडेड बाई फंडामेंटल आता है ओमेगा ई बार माइनस 2 ओमेगा ई बार एक्स ई, दिस इज इक्वल टू 1.96। एंड क्वेश्चन में क्या दिया है, 2990 क्या है, ओमेगा ई बार वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के करेस्पॉन्डिंग वैल्यू है 2990 सेंटीमीटर इनवर्स, इसको यहां पर यूज कर लो, 2 इंटू
29990 माइनस 6 इंटू, वैसे आप देख रहे हो कि इसको यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्यों नहीं जरूरत पड़ेगी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में कैंसिल है, कैंसिल कर दो, सो 2 माइनस 6 एक्स ई अपॉन 1 माइनस 2 एक्स ई दैट विल बी इक्वल टू 1.96। बताइए एक्स ई का वैल्यू क्या आएगा, वैल्यू ऑफ एक्स ई, क्वेश्चन गेट का है, क्वेश्चन सिंपल है, आंसर बताइए, क्लास ओवर हो गया हमारा, 10-15 मिनट मैंने एक्स्ट्रा लिया है, आपको पता ही है कि हम लोगों को कोर्स खत्म करना है, आगे 7-8-10 क्लास जितना भी लगेगा फिनिश तो करना ही पड़ेगा ना। अभी ये टॉपिक पूरा का पूरा तो नहीं, कितना आ रहा है, 0.0192 है ना, सो आप यहाँ पे इसको एक्स ई की वैल्यू को अप्रोक्सीमेटली 0.02 कंसीडर कर सकते हो, कोई बात नहीं, 23 मैंने 10 मिनट लेट से स्टार्ट भी किया था क्लास, 10 मिनट लेट हो गया था क्योंकि जल्दी शुरू कर दो तो भी प्रॉब्लम है, सर कौन सी स्लाइड से शुरू किया, कौन सी स्लाइड चल रही है, प्लीज स्लाइड नंबर डाल दीजिए, ये सारी चीजें भी होती हैं क्लास में, 2-4 मिनट एक्स्ट्रा करो कि चलो स्टेबल हो जाए स्टूडेंट्स, तो है कि 23 मिनट एक्स्ट्रा हो गया, 25 मिनट एक्स्ट्रा हो गया तो क्या हुआ, पढ़ाई तो कर ही रहे हैं ना। चलिए क्लास ओवर, थैंक यू स्टूडेंट्स, और किसी को कुछ पूछना है तो आप बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं क्वेश्चन, 20 नंबर ये है, 14 सर वन से दिखा दीजिए ना एक बार, ये है 14 सर, 7 14 हो गया, देख लिया 14 स्टार्टिंग से दिखा दो सर, दिखा देते हैं भाई, 12, 5, 7 जो भी है मैं पहले से स्टार्ट करता हूँ, पहला स्लाइड ये है, दूसरा ये, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी हाफ के आर माइनस आर ई स्क्वायर के साथ पैराबोला मैंने ड्रॉ किया है, ग्राफ पैराबोलिक दिख रहा है ना आपको, तो पैराबोलिक ग्राफ तभी दिखेगा इमेज में जब वो हाफ के आर माइनस आर ई स्क्वायर के साथ वेरी करे, तो ये हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करता है ना हमारा, तो ये तो हुआ स्लाइड 3, नेक्स्ट स्लाइड 4, फोर्थ नंबर स्लाइड, देन है फिफ्थ नंबर, फिफ्थ नंबर पे कुछ नहीं है, सिक्स्थ पे कुछ नहीं है, सेवेंथ पर क्वेश्चन है, पांच और छह नंबर पे कुछ नहीं था, सेवेंथ पे क्वेश्चन, एट्थ पर क्वेश्चन है, सॉल्व कराया क्लास में ही, नाइन्थ पर भी क्वेश्चन है, एंड उसके बाद टेंथ पर, ये टेंथ नंबर पर, देन इलेवेंथ नंबर,
ट्वेल्थ नंबर। थर्टींथ, फोर्टींथ, थर्टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन, फिफ्टींथ के बाद सिक्सटींथ नंबर, सिक्सटींथ, सेवेंटींथ, एटींथ। नाइनटींथ, ट्वेंटीएथ, ट्वेंटी वन, ट्वेंटी टू, ट्वेंटी थ्री, ट्वेंटी फोर ब्लैंक है, ट्वेंटी फाइव ब्लैंक, ट्वेंटी सिक्स, ट्वेंटी सेवन पे क्वेश्चन सॉल्व किया, ट्वेंटी सेवन्थ पर क्वेश्चन है, ट्वेंटी एट्थ पर क्वेश्चन है, ट्वेंटी नाइन पर है क्वेश्चन, थर्टी पर है क्वेश्चन, सेवन्थ, एट्थ और फोर्टीन नंबर प्रैक्टिस के लिए दिया है। सेवन, एट एंड फोर्टीन नंबर प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है। थर्टी फाइव पर क्वेश्चन सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी, थर्टी टू, थर्टी थ्री, यही लास्ट क्वेश्चन था हमारा। चलिए स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग। जिसको जो डाउट हो अभी भी पूछ सकते हो। तीन क्वेश्चंस मैंने इस साइन में अभी इसमें छोड़ा हुआ है, उसको मैं एज ए होमवर्क लिख दूंगा, आप लोग उसको प्रैक्टिस कर लेना घर पर बैठ के, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करते हुए नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग, और वो होगा डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ डायटॉमिक मॉलिक्यूल एंड रोटेशनल वाइब्रेशनल मिक्स्ड स्पेक्ट्रम। रोटेशनल वाइब्रेशनल दोनों एनर्जी ऐड करके रोटेशनल वाइब्रेशनल मोशन डायरेक्टली एक साथ कंसीडर करना पड़ेगा। अभी तो प्योर वाइब्रेशनल चल रहा था, प्योर रोटेशनल। अगली क्लास में वाइब्रेटिंग रोटेटर मॉलिक्यूल डिस्कस करेंगे, जिसमें वाइब्रेशन और रोटेशनल मोशन साइमल्टेनियसली कंसीडर करेंगे और साथ में उसका स्पेक्ट्रम देखेंगे। कुछ पूछना है किसी को? कोई बात नहीं, चलिए। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर।